मनीष, की हाल चाल? नहीं, हेलो बच्चों, बस मैं स्ट्रीम की का वेट कर रही हूँ, नई वाली। मेरी पुरानी स्ट्रीम की काम नहीं कर रही। जाना मत, सेशन होगा, आई एम जस्ट वेटिंग। अभी टीम सेंड कर रही है, ठीक है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वेट करो। गुड इवनिंग। ओ, स्टार्ट हो गया सेशन, लाइव है। हो, मैं क्या कर रही हूँ? कब से लाइव हूँ मैं? क्या कर रही हूँ मैं? हे भगवान, मुझे तो तुम्हारे चैट्स की स्पीड से पता लगे। हे भगवान, मैं लाइव हो गई हूँ क्या? मैं यही चल रहा है, मैं तब से स्ट्रीम की चेंज किए जा रही हूँ और स्ट्रीम ऑन करके बैठी हूँ। व्हाई मी गॉड, व्हाई मी? कैसी किस्मत लिख के भेजी है मेरी यार। कभी तो कोई सेशन नॉर्मली होने दिया करो। व्हाई इट हैज टू बी शगुन एवरी टाइम विद मी ओनली? सारे टीचर्स यूट्यूब पे आते हैं बट आपको मैं ही मिलती हूँ भगवान ऊपर से। चीटिंग है गॉड, चीटिंग है यार। कितनी देर से मैं ऑनलाइन थी। हाँ, कुछ ऐसे वैसे मुंह तो नहीं बना रही थी मैं, ऐसे टाइप्स? हाँ बताना जरा। ऐसे वैसे मुंह तो नहीं बना रही थी कि चल यार, छोड़ यार, क्या लेना क्लास व्लास। चलो यार, वेलकम टू अन अकेडमी टॉपर चैनल। दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर एंड शगुन होना तो हमारी क्लास की खासियत है यार, ठीक है? दुनिया पीछे चली जाएगी बट हमारे शगुन कभी खत्म नहीं होंगे और शायद कभी नहीं खत्म होते, तो इसलिए हम हंसते खेलते भी रहते हैं। तो आज का सेशन है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मैं इसी के साथ बता दूं, आज आपको एक क्लास का लिंक पिन होते हुए दिख रहा होगा चैट सेक्शन में। 9:15 पे आज आपकी इसी चैप्टर की स्पेशल क्लास है जहां पे केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस। एक बार आप आके तो देखिए, आपका दिल गदगद नहीं हुआ तो मेरे को बता देना कि आपका दिल गदगद नहीं हुआ, ठीक है बच्चों? यस मैम, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का टेस्ट कब होगा? कल सुबह 11:30 बजे। कल सुबह 11:30 बजे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होगा। आज 9:15 बजे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी जो चैप्टर आज मैं कराने वाली हूँ वन शॉट में, इसी के क्वेश्चंस आज हम करेंगे 9:15 बजे, ठीक है? कोई नहीं, अब मैं टीम को बोल देती हूँ। कोई नहीं, हो गए जितने शगुन होने तो हो चुके हैं। बहुत लॉल हुआ है यार। चलिए, तो आज बच्चों हमें ये सब करना है। देख सकते हैं आप माइंड मैप्स, ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगी, इसकी तो आप टेंशन मत लेना। माइंड मैप्स आपको दिख रहे हैं? ये देखिए, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे, ये सब करना है। चैप्टर काफी बड़ा है बच्चों बट मुझे पक्का यकीन है, अगर मेरा साथ आप लोग अगर देंगे तो चैप्टर को सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं बल्कि आसान हो जाएगा, है ना बच्चों? तो आज ब्लैक स्लाइड्स पे करेंगे। मेरे डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको अपनी आंखें बचानी है तो आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। बेटा, माई आईज दे आर डैम ब्यूटिफुल, दैट आई नो। आगे चलते हैं। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर की हेडिंग लिख ली सबने? आई हैव टू चेंज द कलर थीम। एक सेकेंड, मैं बस कलर थीम और चेंज कर लू, बिकॉज अब ब्लैक स्लाइड्स हैं तो ब्लैक के हिसाब से कलर थीम होगी। आई थिंक ये वाले कलर्स बिल्कुल परफेक्ट है, ये तीन कलर्स, ठीक है? आ गए सारे मेरे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने नालायक? सारे नालायक आ चुके हैं? नहीं, अभी थोड़े कम आए हैं, इनके लिए एक वीडियो बनानी पड़ेगी। कैन आई क्रैक इन 5 मंथ्स? ना, वैसे ये वीडियो चलती बहुत है, क्या सोच के जाते तुम ये वीडियो में? मेरे को ये पहले जवाब दो इस चीज का। जब भी आप देखते हैं टाइटल कैन आई क्रैक, व्यूज तो बहुत आते हैं, ये तो तुम भी मानते हो। क्या सोच के जाते हो कि शायद ऐसी कोई नई चीज मिल जाए? है शायद कोई नई चीज मिल जाए। यस, व्यूज तो सबसे ज्यादा इसी वीडियो पे आते हैं। चलो कोई नहीं यार, क्या हो गया? अपने टीचर के साथ हंसोगे नहीं, खेलोगे नहीं, फैमिली जैसा माहौल नहीं बनाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे लंबे टाइम तक मेरे साथ। 5 महीने आपको एक मैम का चेहरा डेली देखना है तो हंसी मजाक होगी तभी देख पाओगे, वरना तो कहोगे यार पकाती है, चल आगे। ठीक है, चलो आज के चैप्टर की हेडिंग लिख लेते हैं, बॉडी फ्लूइड्स
एंड सर्कुलेशन, राइट मेरे बच्चों? ये हमारे चैप्टर की हेडिंग है। बहुत स्पीड से मैं माइंड मैप्स बनाने वाली हूँ। हैंड रिटन नोट्स हम बनाते हैं, आपको पता ही है, जबकि मैं माइंड मैप्स बना के लाई हूँ इस बार, तब भी आदत से मजबूर हूँ कि खुद ही लिख के जाऊंगी। इसे कहते हैं क्या? जिद्दीपन। यस, ठीक है मैम, शायरी बोलो। उसने बोला मैम शायरी बोलो। शायरी शायरी शायरी, कैसे लगा यार? वाह वाह दी थी तुमने। यस, चलो आ जाओ। चलो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की बात करेंगे। बेटा हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? अगर हम अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम है ऑर्गन सिस्टम लेवल के। क्या है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है। अब हम अपने सिस्टम की बात करें तो हर एक टिश्यू को आपस में मुझे कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के लिए मुझे बॉडी फ्लूइड्स चाहिए, जिसमें हम ब्लड एंड लिम्फ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड एंड लिम्फ हम पढ़ने वाले हैं। ये दो तरह के बॉडी फ्लूइड्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये कैसे हेल्प करता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, आखिर ये प्यार है या रोग है, यही सब मैं बताने वाली हूँ तुम्हें इस चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इन एनिमल किंगडम। यहीं से हम हर चैप्टर को शुरू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल किंगडम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल किंगडम, ये हमारा पहला है। चलो जल्दी से अब पहले वाले फाइलम का नाम बता दो। जब तक तुम पहले फाइलम का नाम बता रहे हो, तब तक मैं ये हेडिंग लिख रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल चैट बॉक्स में जवाब देंगे, फालतू बात करने वालों को इग्नोर करेंगे, उनका काम है बहकाना और तुम्हारा काम है उन्हें मुंह तोड़ जवाब ना देना मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइलम के साथ शुरू करें। बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया, आंसर क्या है? पॉरी फेरा। आंसर क्या है मेरे बच्चों? पॉरी फेरा। अगर पॉरी फेरा की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट और एबसेंट, जल्दी बताओ, ठोको आंसर चैट बॉक्स में, ठोको आंसर। एबसेंट, क्या है? एबसेंट। जो दूसरा फाइलम है जिसके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जिसके पास टेंटाकल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निडेरियंस। क्या कहते हैं? निडेरियंस। इसके पास भी एज सच नहीं है, एबसेंट लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑल द मेंबर्स आर बायोल्यूमिनेसेंट, क्या है? टीनोफोरा। क्या है बच्चों? टीनोफोरा। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें भी एबसेंट। फिर वो चपटे कृमि, फ्लैटवर्म्स, प्लाटी हेलमिंथिस। क्या है? प्लाटी हेलमिंथिस। इनके पास भी कोई वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है मेरे बच्चों, कोई भी वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है। जनरल बॉडी सरफेस लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंट की जगह मैं जनरल बॉडी सरफेस भी लिख सकती हूँ, ठीक है। यहीं से एक्सचेंज हो रहा है, इन्हें जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जो राउंड वर्म्स होते हैं, कौन सा होता है? एस्कलमिंथिस। कौन सा होता है बच्चों? एस्कलमिंथिस। कौन सा? एस्कलमिंथिस। अगर हम एस्कलमिंथिस की बात करें, राउंड वर्म्स की बात करें, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें भी एसिड कोई सिस्टम नहीं है, तो हम एब्सेंट ही लिखेंगे, ठीक है। अब आ रहे हम एनालिडा। एनालिडा, एनालिडा से मेरे को क्या याद आता था, मैं हमेशा तुम्हें बताती हूँ हर एक चैप्टर में, क्योंकि यहां से नीट में क्वेश्चन आता है। क्या आता है याद? अर्थवर्म। अगर मैं अर्थवर्म की बात करूं तो यहाँ पे सिस्टम क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड रितिका, दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम है? दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं पे यहाँ पे लीचेस की बात करें, इनके पास लीचेस भी है। लीचेस वो होती है जो जॉ होती है, जो चिपक जाती है, जो खून चूसती है। गर्लफ्रेंड की बात नहीं करी मैं, खून चूसने वाले जानवर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। लीचेस, उसमें क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है बच्चों? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं अभी ओपन और क्लोज क्या है 2 मिनट रुकना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके बाद रहते हैं नेक्स्ट एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। याद रखना है, क्या याद रखना है? ऑल द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, दे ऑल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है बच्चों? दे ऑल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोड्स के बाद आते हैं मोलस्का। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जनरली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स, एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स में कौन आते हैं? ऑक्टोपस। कौन आता है मेरे बच्चों? ऑक्टोपस। कौन आ रहा है? ऑक्टोपस आ रहा है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में बच्चों, मोलस्का के बाद कौन आता है? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। कुछ बच्चे ना चैट बॉक्स में आगे से आगे बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, जैसे सायरत हो गई, शुभांगी हो गई, ठीक है, आयुषी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा, गुड जॉब। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इसी कंसिस्टेंसी से
आंसर देते रहो और सारी क्लासेस करते रहे, नोबडी कैन स्टॉप योर फुल मार्क्स इन बायो, आई एम टेलिंग यू दिस। वेरी नाइस बच्चों, आई हैव एन आई ऑन यू। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम है इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन करता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। कौन करता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम, इनके पास बहुत सारे सिस्टम तो होते ही नहीं है, बड़े सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं। वहीं पे अब आते हैं हम हेमीकॉर्डेट्स पे, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, बलानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। अगर इसकी बात करें तो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वहीं पे अब हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स में सबसे पहले जो मैम तुम्हें एनिमल किंगडम में पढ़ाने वाली है, वो क्या पढ़ाने वाली है, यूरोकॉर्डेट्स। क्या पढ़ाने वाली है, यूरोकॉर्डेट्स। फिर क्या पढ़ाएंगी, सिफेलोकॉर्डेट्स। फिर मैम क्या पढ़ाएगी, यस सिफेलोकॉर्डेट्स। फिर हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोम्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइक्लोस्टोम्स। फिर हम पढ़ेंगे पाइसेस, परम पढ़ेंगे हम, परम चक्र, यस यानी एम्फीबियंस। फिर हमारे पास रेप्टाइल्स, फिर हमारे पास एप्स, फिर हमारे पास मैमल्स, ये सारे हमारे पास है। ठीक है, अब आ जाओ जरा, सबके पास क्लोज्ड है, सबके पास ओपन है, क्या है, थोड़ा कुछ तो बताओ। ध्रुव ने बताया, मैम यूरोकॉर्डेट्स के पास तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जबकि ये किस में आ रहा है, कॉर्डेट्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ऑल कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। योर आंसर विल बी फॉल्स मैम, इट्स फॉल्स, बिकॉज वी हैव एक्सेप्शन एज यूरोकॉर्डेट्स। वी हैव एक्सेप्शन एज यूरोकॉर्डेट्स, जिसमें सीडी आता है, डोलियोलम आता है, हर्ड में नहीं आता है। ठीक है, यस वहीं पे। अब बाकियों की अगर हम बात करें तो इसमें क्लोज्ड, वी हैव क्लोज्ड, फिर से क्लोज्ड, फिर से क्लोज्ड, फिर से क्लोज, क्लोज एंड क्लोज, यानी सबके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स, जिसके कारण मैं ये लाइन नहीं बोल सकती दैट ऑल कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वी डू हैव वन एक्सेप्शन। समझ में आया ये इतना? अगर इतना माइंड मैप बन चुका है तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था बेटा 5 मिनट रुको, अभी दूसरा टॉपिक मैं यही पढ़ाऊंगी। मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है एनसीईआरटी के सीक्वेंस से, बट इवेंचुअली हम सब कवर करेंगे, ठीक है ना मेरे बच्चों। यस, रीजन मैं बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ सारा। एक तो पानी में रहते हो और इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, एक प्रोग्रेसिव होती है, एक रेट्रोग्रेसिव, यानी कि एडल्ट पुराने जमाने का है, बचपन में वो नए जमाने का था, इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे आप और मैं मिलके, आपका नाम है नालायक, मेरा नाम है सुपर गुड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और यहाँ पे मैं बनाऊंगी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां पे सबसे पहले हम बनाएंगे डीग्राम। क्या बनाएंगे बच्चों, डीग्राम। ठीक है, यस, तो डीग्राम की अगर बात करें तो डीग्राम में सबसे पहले हम बनाएंगे दिल। दिल देखो, देखो दिल, देखे देखो दिल, देखे देखो जी। ठीक है, तो यहां से आ रही है आर्टरी। कौन आ रही है, आर्टरी। आर्टरी एक ब्लड वेसल है, ये मुझे पता है, और यहां से जो ब्लड है वो सीधा टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आ रहा है मेरे बच्चों। किसके कांटेक्ट में आ रहे मेरे बच्चों, सीधा टिश्यू के। अब ये जो ब्लड है ये कलेक्ट किसने किया है, वेन्स ने, और ये वेन सीधा किस में जा रही है, हार्ट के पास जा रही है सीधा, ये वेन्स, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब वहीं पे दूसरा डायग्राम बनाएंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे और जवाब कौन देगा, आप देंगे जवाब चैट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे फिर से बनाया दिल, दिल से याद आया, दिल देखे देखो, दिल देखे देखो, दिल देखे देखो जी। ठीक है, अब यहां से दिल में से निकलती है आर्टरी, आर्टरी छेदीली हो जाती है, यानी कि ये कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड हो गई। ठीक है, यही कैपिलरी नेटवर्क आगे ज्वाइन करके वेन्स बना रहा है। क्या बना रहा है, वेन्स, और ये वेन्स कहाँ जा रही है, हार्ट के पास जा रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आप कहेंगे टिश्यू, यहां पे मेरा टिश्यू प्रेजेंट है, तो पहला सवाल मेरे बच्चों, किस सिस्टम में ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू,
इन दोनों में से किस सिस्टम में ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है टिश्यू के? देखो डायग्राम और आंसर खुद बताने की कोशिश करो, चीटिंग मत करो चैट बॉक्स में, खुद से बताया करो सारे आंसर। यस, तो अगर मैं देखू फर्स्ट पॉइंट लिखू तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू। लिख लीजिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरे पे आते हैं, यहां पे नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कैपिलरी नेटवर्क कहाँ है? कैपिलरी नेटवर्क कहाँ है मेरे बच्चों? कैपिलरी नेटवर्क, अगर यहां पे मैं कैपिलरी नेटवर्क की बात करूं तो यहां पे मुझे कैपिलरीज दिख रही हैं, जबकि मैं ओपन वाले की बात करूं तो यहां पे मुझे कैपिलरी नहीं दिख रही है। तो सी से क्लोज, सी फॉर कैपिलरी, यानी कैपिलरी कहां प्रेजेंट है? यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरी कैपिलरीज आर एब्सेंट, यहाँ क्या है, कैपिलरीज एब्सेंट, जबकि यहां पे डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि कैपिलरीज क्या है, यहां पे मेरी प्रेजेंट है, क्या है मेरी प्रेजेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा, इनमें से कौन सा सिस्टम है जहां पे मैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकती हूँ? वेयर आई कैन रेगुलेट अ माई ब्लड प्रेशर, जहां पे सिस्टम बंद है, जहां सिस्टम बंद होता है वहां पे मैं रेगुलेट कर सकती हूँ। अगर मैं किसी के दिल को रोकना चाहती हूँ, किसी दिल को चाहत करने से रोकना चाहती हूँ, तो मुझे उसे उन बेड़ियों में बांधना पड़ेगा। बिना बेड़ी का दिल तो चिड़िया की तरह होता है मेरे बच्चों, है ना? यस, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी रेगुलेटेड, कैन नॉट बी रेगुलेटेड। वहीं पे दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कैन बी रेगुलेटेड, कैन बी रेगुलेटेड। एग्जाम्पल तो आपने ऊपर देख ही लिया है, मैं एग्जाम्पल नहीं लिखवा रही क्योंकि ऊपर मैंने पूरी टेबल लिखवा दी है, तो वहां से उठा के यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, सीधी सी बात है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सेकंड टॉपिक क्लियर है सबको? थम्स अप लगा दो चैट बॉक्स में, थम्स अप। यस, हाँ, यस, जल्दी 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 जल्दी, चलो ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक पे चल रहे हैं आज की क्लास में, द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे। कितने टाइप्स के सर्कुलेटरी पाथवे हमारे पास हैं? ठीक है, कोई बता सकता है मेरे बच्चों, कितने टाइप के पाथवे एनसीईआरटी ने आपको मेंशन किए हैं? एनीबडी हु कैन पार्टिसिपेट इन द क्लास एंड टेल मी। यस, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास तीन तरह के पाथवेज हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने तरीके के पाथवेज हैं? मेरे पास तीन टाइप के, सिंगल, इनकम्प्लीट, डबल, कंप्लीट डबल। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो भाई, कौन सी, कहाँ की, हाँ कहाँ की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो भाई, वापिस आ जाओ। चलो आ जाओ, लाइन बना लेते हैं क्योंकि हमें तीन टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, फिर हमारा कौन सा है, चलो जल्दी बोलो मैम के साथ, दूसरा हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, दूसरा कौन सा है जी स्क्वायर आर्मी, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तीसरा कौन सा है जी स्क्वायर आर्मी, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये हमारा तीसरा है। ठीक है, अब आते हैं सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, देयर इज अ सिंगल पाथवे, क्या है इसका मतलब, चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं फिर पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन में हम देखें तो ये है मेरे गिल्स, गिल्स से मुझे याद आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब सीधा एग्जाम्पल बता दो, अगर मान लो तुम्हें नहीं भी आ रहा नीट में तो इस तरीके से आंसर निकाल लिया करो यार अपना। गिल्स, गिल्स माने मछली, जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, बस गिल्स, गिल्स पे क्या होगा, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, पानी से ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर पानी में। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा मेरे बच्चों, ये जाएगा टिश्यूज के पास, कहाँ जाएगा, टिश्यू। अब टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू ऑक्सीजन यूज कर लेगा और रिटर्न गिफ्ट में तुम्हें CO2 थमा देगा। ठीक है, तो अब जो ब्लड है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड, अब जो ब्लड है कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे मुझे वापस गिल्स तक भेजना है, तो मुझे एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, वो पंपिंग ऑर्गन क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। तो यहाँ पे
टू चेम्बर हार्ट है। कौन सा चेम्बर हार्ट है? टू चेम्बर हार्ट, यानी कि एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, दैट्स इट। अब यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? गिल्स के पास जाएगा, ठीक है। वहां पे CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर। तो कितने टाइप के मामले चक्र बनाए हैं, जल्दी से बता दो, स्क्रीन को देखो और बस बताओ कितने चक्र में हमने बनाए। सिर्फ एक चक्र बनाया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगल सर्कुलेशन। इसलिए से क्या बोलते हैं, इसलिए से हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। अब आ जाओ इसके कैरेक्टर लिख लेते हैं। हार्ट कितने चेम्बर्ड है? एवरीवन, हार्ट के चेम्बर कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। टू चेम्बर्ड हार्ट है फिशेस में। एक एट्रिया होता है तो दूसरा वेंट्रिकल होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो इनका हार्ट है वो वीनस हार्ट है या हमारा ऑक्सीजनेटेड हार्ट है, ये बोथ है। सिर्फ और सिर्फ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो फिशेस के केस में जो हार्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज वीनस हार्ट, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल कैसा ब्लड आ रहा है? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल हमारी क्या है? फिशेस। क्या है हमारा एग्जाम्पल? फिशेस। आई होप पहले वाला मेरे बच्चों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया हो, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेट्स स्टार्ट बच्चों। यहाँ पे ये लंग्स हैं। लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। क्या बोलते हैं बच्चों? फुफ्फुस। यस, क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। लंग्स के बाद यहाँ पे हमने बनाया हार्ट। हार्ट के अंदर तीन चेम्बर है। कितने चेम्बर्स है बच्चों? तीन चेम्बर्स, एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल। थ्री चेम्बर्ड हार्ट हो गया। और ये हमारे के टिश्यूज। ये क्या बच्चों? दीज आर माय टिश्यूज। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। लंग से कैसा ब्लड आया? जी स्क्वायर आर्मी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ गया? ये गया टिश्यूज के पास। कहाँ गया? टिश्यूज के पास। ये हो गई हमारी कैपिलरी। ये आ गया ब्लड का फ्लो, देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लड है, यहां से ऑक्सीजन टिश्यू के पास और CO2 सीधा ब्लड के पास, राइट। यानी अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ जाएगा? एट्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? एट्रिया में। एट्रिया से वापस कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। नाउ माई क्वेश्चन टू यू पीपल, इज देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्या मिक्सिंग हो रहा है ऑक्सीजनेटेड का और डीऑक्सीजनेटेड का? इफ यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से लंग्स के पास जाएगा। तो यानी कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। पहला सर्कुलेशन ये है, दूसरा सर्कुलेशन ये है। इसे मैं बोलूंगी पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे मैं क्या बोलूंगी? पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पे आपका लंग्स इन्वॉल्व है, जबकि दूसरे वाले में बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व है। तो इसे मैं बोलूंगी सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलूंगी इसे? इसे मैं बोलूंगी सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो दो सर्कुलेशन हो रहे हैं बट इनकम्प्लीट है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंस बच्चों, अब ध्यान से सुनना, यहां पे असर्शन रीजन बता रही हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। सिंस यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग नहीं हो रहे, तो इसलिए एफिशिएंसी क्या होगी बॉडी की? कम रहेगी। एफिशिएंसी बॉडी की क्या रहेगी? लेस रहेगी। इसलिए एनिमल्स होमियोथर्म्स होंगे या पोइकिलोथर्म्स, आप बताओ मुझे चैट बॉक्स में। दे कैन नॉट जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज दे डोंट हैव इनफ ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट होमियोस्टेसिस। दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी। दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हेंस दे विल बी पोइकिलोथर्म्स। हेंस दे विल बी पोइकिलोथर्म्स। ये आपका असर्शन रीजन तैयार होता हुआ। हेंस दे विल बी पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एम्फीबियंस, एग्जाम्पल एम्फीबियंस। दूसरा एग्जाम्पल रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल का क्या होता है बच्चों?
फोर चेम्बर हार्ट होता है, क्या होता है, फोर चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। अब आते हैं हार्ट चेम्बर्स, कितने हार्ट चेम्बर्स है इसके, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इसके तीन चेम्बर हार्ट है जिसमें दो एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। समझ आया सबको? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ध्वनि आ गई है, पूरा शोर करती हुई ध्वनि। लंग्स, ये हमारा हार्ट, एट्रिया एट्रिया, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, एंड दीज आर माय टिश्यूज, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास। टिश्यू को मिलेगा ऑक्सीजन, रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा, CO2। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, एट्रिया के पास जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वापस लंग्स में जाएगा। यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है बच्चों, नो देर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही है। सिंस यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही है, यानी कि टिश्यूज को बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, सिंस दे विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दे कैन मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट होम्योस्टेसिस, दे कैन मेंटेन व्हाट, दे कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट होम्योस्टेसिस। सो ये क्या होंगे, दे विल बी होम्योथर्म्स, ये क्या है, होम्योथर्म्स, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। एग्जाम्पल माई किड्स, एग्जाम्पल, वॉट इज द एग्जाम्पल माई किड्स, यस एग्जाम्पल इज कम ऑन एव्स, वी हैव मैमल्स एंड वी हैव क्रोकोडिलियंस, वी हैव क्रोकोडिलियंस, मगरमच्छ के आंसू, यस ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, दे विल हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, हेंस दे कैन मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी, दे कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हेंस दे विल बी कॉल्ड एज होम्योथर्म्स। बेटा ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए, अभी तक हमने तीन टॉपिक किए हैं, ठीक है, तीनों सब बच्चों को क्लियर है, बिल्कुल माइंड मैप्स बिल्कुल क्लियर, मैं सब चीजों की टेबल्स बना के दे रही हूँ आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी आप जाके देखेंगे तो एनसीईआरटी का आपको एक एक शब्द मिल जाएगा इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट माइंड मैप, नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम चल रहे हैं, अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जहां से हमें करना चाहिए था बट हम थोड़ा भटक गए थे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ नंबर टॉपिक, दैट इज आवर ब्लड, इसकी भी हम एक टेबल ही बनाने वाले हैं, ब्लड, ब्लड इज आवर कनेक्टिव टिश्यू, राइट और रॉन्ग, यस जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्या है बच्चों ये, दिस इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड, ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच लैक्स डैश, डैश भरो तब तक मैं स्टेटमेंट लिख रही हूं, ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच लैक्स फाइबर्स, लैक्स फाइबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। नाउ ब्लड कहां पे सिंथेसिस होता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस, क्या कहते हैं इसको, हीमोपोइसिस कहते हैं, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। कहां पे होता है, ये होता है बोन मैरो में, कहां पे होता है ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस अकर्स इन बोन मैरो, ये बोन मैरो कहां पे होता है बच्चों, वेयर इज दिस बोन मैरो लोकेटेड, दिस इज लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, अगर लॉन्ग बोन्स की बात करें तो कोई एग्जाम्पल ठोक सकता है चैट बॉक्स में, अरे पैर दी हड्डी, अरे मेरे पैर दी हड्डी, यानी फीमर, क्या है आंसर, फीमर, क्या आंसर, फीमर, फीमर में बोन मैरो होता है, एंड सिंस इट इज बोन मैरो इट इज कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल, यानी जो भी सेल की मैं बात करूंगी ब्लड में वो सब के सब मीजोडर्मल इन ओरिजिन होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो चीजें होती है, चलिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में कितनी चीजें होती है ब्लड में, दो चीजें होती है ब्लड में, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कॉर्पुसल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिख देती हूँ वो ज्यादा बेटर है, बिल्कुल एनसीईआरटी का शब्द फॉलो करेंगे, फॉर्म्ड
एलिमेंट्स, जो पीलाज्मा होता है, क्या होता है पीलाज्मा, प्लाज्मा नहीं होता, पीलाज्मा, ठीक है, यस। जो हमारा पीलाज्मा होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 55, जबकि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45% होते हैं, ठीक है। पीलाज्मा बनता कहाँ है? इसका सिंथेसिस होता है लिवर में, याद रखना इस बात को, इसका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लिवर में, यकृत, ठीक है। वहीं पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर मैं सेल्स की बात करूंगी, इसका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में, कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। ये कहाँ बन रहे हैं? बोन मैरो में बन रहे सेल्स। तो यानी कि ब्लड का दो जगह फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम देखा जाए तो, एक लिवर में हो रहा है और एक बोन मैरो में हो रहा है। तो दोनों चीजों की हमें जरूरत है इन ऑर्डर टू डू द ब्लड फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम पीलाज्मा की बात करेंगे कि पीलाज्मा में क्या क्या होता है। चलिए आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले पीलाज्मा में पानी होता है, और क्या पीलाज्मा में क्या होता है? पानी होता है, वाटर। कितना वाटर होता है, चलो जल्दी से बताओ, 90 से 92% तो भाई इसमें पानी ही पानी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स माने तो सोडियम, माने तो पोटेशियम, माने तो क्लोराइड, माने तो बाइकार्बोनेट आयन, माने तो कैल्शियम, माने तो मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पीलाज्मा में, ठीक है। वहीं पे तीसरी चीज की बात करें तो गैसेस, जो गैसेस प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ अ डिसॉल्व स्टेट, जो घुलनशील होती है इसमें, वो कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 7%, ऑक्सीजन 3%, ठीक है, और इसके अलावा पता नहीं मुझे कौन सी होती है, ठीक है। अब तीसरे चीज आ रहे हैं सॉल्यूट्स, कौन कौन से सॉल्यूट्स होते हैं? ये 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं। इन सॉल्यूट्स में भी जो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है प्रोटीन्स, क्या हमारे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तीन तरीके के सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं पीलाज्मा में। एक होते हैं डिफेंस वाले, ठीक है, आ भाई आ रहा चैंपियन, यस ना, छेड़ेगा मेरी बंदी को, छेड़ेगा, यस। अगर तुम्हारी बंदी को कोई छेड़ता है तो तुम्हारे अंदर क्या जाता है? IgA, IgG, IgM, ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता, यस। तो डिफेंस के लिए क्या है बच्चों? ग्लोबुलिंस, क्या है बच्चों? ग्लोबुलिंस, ठीक है। बट इसी मर्द को दर्द ना होने के चक्कर में जब तुम ठोक के आते हो तो जो खून निकल रहा होता है उसे रोकने के लिए कौन होता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन होता है बताना जरा? फिब्रिनोजेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन से हमारे? फिब्रिनोजेंस। ये जो फिब्रिनोजेंस है ये किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्लॉटिंग में। किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्लॉटिंग में, ठीक है। फिर तीसरे कौन से है? डिफेंस हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, तीसरा कौन से है भाई बता दो? यस, जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारे एल्बुमिन्स। कौन से हमारे? एल्बुमिन्स। ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं, कितना पानी रहेगा, कितना सॉल्ट रहेगा, इस चीज को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूट्स में और क्या प्रेजेंट हो सकता है? यूरिया, यूरिया प्रेजेंट हो सकता है, गंदगी। ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, एनर्जी। लैक्टिक एसिड हो सकता है, यानी थकावट, ठीक है। ये सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती है हमारे प्लाज्मा में। इतना आपको समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, यस यस, आया सबको समझ में? चलिए, तो ये तो था अबाउट प्लाज्मा। इतनी इंफॉर्मेशन हमें एनसीईआरटी ने प्लाज्मा के दे रखी है, बट अब जो हमें डिटेल में करना है वो हमें करना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। उसका भी अलग से माइंड मैप हम बनाएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सबसे पहले एक माइंड मैप बना लेते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। दो तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ना जी, ना, तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, तीन तरीके के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाओं का मतलब क्या? आरबीसी, ठीक है, क्या है? आरबीसी। जो सफेद श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका मतलब व्हाइट ब्लड सेल, WBC। तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, रक्त थक्का जो करती है, प्लेटलेट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं जिन्हें हम? वी कॉल देम एज थ्रोम्बोसाइट्स। वहीं पे WBC को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। वहीं पे आरबीसी को तीसरे नाम से क्या बोलते हैं बच्चों? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। अब
अब डब्ल्यूबीसी में भी लोचा है, देखो सिंपल सी बात है, डब्ल्यूबीसी में भी लोचा है, दो तरह के डब्ल्यूबीसी है। जैसे रितिका ने पहली आंसर दे दिया आई लव हर, सीरियसली इतने अच्छे से बच्ची रिवाइज करके आई है, वो सीरियसली ले रही है सीरीज को, ऐसा नहीं कि बस आ गए हैं बस मुंह उठा के कि नहीं सब टीचर ही कराएगा, फिर हम कमेंट भी लिख के जाएंगे कि मजा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। बच्ची सीरियसली ले रही है, पढ़ के आई है, ऐसे करके आया ग्रुप प्रिपरेशन क्लास में। तो यहाँ पे दो तरह के, एक हमारे ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स क्या है बड़ा है, और दूसरा हमारा ए ग्रैनुलोसाइट जिसमें साइज ऑफ ग्रेन्यूल क्या है छोटा है। ठीक है, अगर ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो एक ट्रिक है इसको याद करने की, बेंटेन, बचपन में कार्टून होता था बेंटेन, बेन टेन यानी कि लार्ज साइज ऑफ ग्रैन्यूल। ठीक है, ये हो जाएगा बेजोफिल, ये हो जाएगा इओसिनोफिल, और ये ओहो स्पेलिंग गलत हो गई, वीडियो बना देंगे इस बात पे भी, बायो टीचर को नहीं आई स्पेलिंग। प्यार से डर नहीं लगता साहब, इनकी वीडियो बनाने से डर लगता है। ठीक है, तीसरा न्यूट्रोफिल, तीसरा क्या हमारा न्यूट्रोफिल। तो ये हमारे ग्रैनुलोसाइट है जिसका साइज ऑफ ग्रैन्यूल क्या है बड़ा है काफी। ठीक है, अब एक ग्रैनुलोसाइट पे आते हैं, इसमें हमें याद करना है दो, यानी कि एक लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट, और दूसरा हमारा क्या है बच्चों मोनोसाइट। ये सब पढ़ने हैं, ये सब डिटेल में पढ़ने हैं, अभी टॉपिक शुरू हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि टॉपिक खत्म हो गया, मैम ने माइंड मैप बना दिया, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं, क्योंकि मैं अभी एक एक पॉइंट लिखवाने वाली हूँ। यस अभी मैं टेबल बनाने वाली हूँ, एक एक पॉइंट लिखवाने वाली हूँ तुम्हें, कि कहाँ क्या आएगा, कितना नंबर आएगा, कितना क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, सब लिखवाने वाली हूँ। तो टेबल बनाने के लिए हो जाओ तैयार, अभी बना रहे टेबल। यस ये देखिए बननी शुरू हो गई है टेबल। सबसे पहले हम नेम ऑफ द सेल लिखेंगे, सेल का नाम, फिर उसका बनाएंगे डीग्राम, फिर हम उसके बनाएंगे नंबर, फिर उसका बनाएंगे लाइफ स्पैन। ठीक है, फिर उसकी लिखेंगे विशेषता, नेम ऑफ द सेल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बनाएंगे उसका डीग्राम, फिर हम बनाएंगे उसके नंबर ऑफ सेल इन ब्लड, फिर उसके बाद बनाएंगे हम लाइफ स्पैन, फिर हम बनाएंगे उसके विशेषता फीचर्स। तो सबसे पहला जो सेल हम बनाएंगे वो बनाएंगे आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट। डायग्राम बना ले, चलो आ जाओ, एनसीईआरटी ने ऐसा डायग्राम बनाया इसका, बस ऐसा, ये तो डायग्राम है, बट इसकी शेप क्या है ह्यूमंस के केस में, बायकॉन्वेक्स बायकॉन्केव, व्हाट इज द शेप मेरे बच्चों, व्हाट इज द शेप, बायकॉन्केव बायकॉन्वेक्स ओवल स्फेरिकल सर्कुलर, व्हाट इज द शेप, दोस टू वर्ड्स आई वांट, यस दोस टू वर्ड्स आई वांट, बायकॉन्केव और दूसरा क्या है सर्कुलर शेप, दूसरा क्या है सर्कुलर शेप। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, 5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, यानी हर 100 ml पे आपके पास 50 लाख आरबीसी होती है, कितनी होती है 50 लाख आरबीसी। ठीक है, यस, लाइफ स्पैन की बात करें 120 डेज बाद ये दम तोड़ देते हैं, क्योंकि इनको अपनी आशिकी पूरी करने का समय नहीं मिलता है। ठीक है, और ये कहां दम तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं स्प्लीन में, कहां दम तोड़ते हैं स्प्लीन में, स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब आते हैं इसके फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम में तो देखो राउंड है, हम में क्या है राउंड है आरबीसी, बट ना कैमल ओंधा है, कैमल का भाई लामा ओंधा है जो अमेरिका में रहता है, तो यहाँ पे ओवल शेप का होता है आरबीसी इन केस ऑफ कैमल एंड लामा, कैमल एंड लामा। ठीक है, लामा कौन है, इसका भाई बंधु है भाई, अमेरिका वाला फॉरनर है। ठीक है, यस यस अच्छा चलो अब नेक्स्ट पे आओ बच्चों, ओवल शेप कैमल एंड लावा। इसके अलावा भाई ई न्यूक्लिएटेड या न्यूक्लिएटेड क्या लगता है, ई न्यूक्लिएटेड, इसका न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। नाउ व्हाई दे आर रेड इन कलर, व्हाई दे आर रेड इन कलर, दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन, बिकॉज ही हैव
हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन इसके पास होता है, बिकॉज ऑफ विच दिस इज अ रेड पिगमेंट, ये रेड कलर का दिखता है। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ये होता है, इतना नॉर्मल वैल्यू है इसका, ठीक है। 14 to 16 ग्राम भी लिख सकते हैं, वैसे तो 12 ठीक ही है, 12 से 16 लिख देते हैं, वही ज्यादा बेटर है इसमें, 12 से 16 ग्राम, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट और एबसेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एबसेंट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा, एबसेंट है। इसके अलावा गॉल्जी, ईआर, सबका सब यहां पे एबसेंट है, ये सब यहां पे क्या होता है, एबसेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। इज द आरबीसी क्लियर बच्चों? कैन आई स्टार्ट विद द सेकंड टाइप ऑफ सेल? एवरीवन स्टार्ट करें सेकंड टाइप ऑफ सेल। धोनी रो रही है मैम। हाँ बेटा, एटलीस्ट नाउ यू रियलाइज वट आई हैव टू गो थ्रू, बट कोई नहीं बच्चों। यस, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हें हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्लेटलेट्स, ये कुछ इस तरीके की होती है, क्या है, बाय कॉन्वेक्स शेप, क्या है इसका भी, बाय कॉन्वेक्स, क्या शेप है, बाय कॉन्वेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेल, ये जो प्लेटलेट्स होती है कितनी होती है, 1.5 से 4.5 या 3.5 कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, बट एनसीआरटी हम फॉलो करेंगे, 1.5 to 3.5 लाख पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, इतना हमारा नॉर्मल अमाउंट में क्या होता है, प्लेटलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी लाइफ, 1 वीक, जिंदगी है एक पहेली, ठीक है, 1 वीक बस। अब इसके फीचर की बात करते हैं, फीचर में कुछ कमाल की बात करेंगे। फीचर का क्या कमाल है, ये सेल ही नहीं होते हैं, दे आर फ्रैगमेंट्स ऑफ अ सेल। बोन मैरो में एक बहुत बड़ा सेल होता है, वो बहुत बड़े सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। वो मेगा कैरियोसाइट बम करके फटता है, जब वो फटता है तो हर एक टुकड़े से बनती है प्लेटलेट। तो कहां पे बनता है, बोन मैरो में बनता है, किससे बनता है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट से बनता है, ठीक है। सो क्या है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है बच्चों, इन बोन मैरो। अब दूसरी चीज इसमें हमें देखनी है कि ये करती क्या है, इनके पास होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या होते हैं बच्चों इनके पास, इनके पास होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स किस में हेल्प करते हैं, रक्त थक्का यानी क्लॉटिंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, ये भी एक टॉपिक है, वो मैं बताऊंगी अभी, तब तक आप मेरे साथ बने रहे। आइए चलिए भाई नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाए हम, एवरी वन इन द क्लास नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, वह दैट इज योर WBC। लाइनें लंबी लंबी लगा दी है हमने। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल हम शुरू करें, द थर्ड टाइप ऑफ सेल, कोई बता सकते हो थर्ड टाइप ऑफ सेल कौन सा बचा हमारा, WBCs, WBCs which are also called as leukocytes, leukocyte। अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप कैसे इसकी, अलग अलग तरीके के, यस, यानी एमीबॉइड शेप, ये देखिए कैसी शेप है, एमीबॉइड शेप, कैसी शेप है, एमीबॉइड शेप्ड है, कैसी शेप है, एमीबॉइड शेप, ठीक है। ये शेप इसको बहुत हेल्प भी करेगी, क्योंकि अभी डायपेडेसिस मूवमेंट शो करेगा, कैसे करेगा आई विल टेल यू, बट उससे पहले इसके नंबर पे आते हैं, 6 to 8,000 per mm³ ऑफ ब्लड, देख रहे कितने कम होते हैं, इम्यूनिटी वाले सेल्स कितने कम है, इसलिए मैं कहती हूँ बाहर के मोमोज मत खाए करो, नालायको मत खाए करो, छोड़ दो उन मोमोज को, त्याग दो इन मोमोज को, यस। फिर आते हैं नेक्स्ट, लाइफ स्पैन फ्रॉम डेज टू ईयर्स आल्सो, जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो सालों तक भी रह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं WBC के बारे में नेक्स्ट, कौन कौन से सेल्स हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रैनुलोसाइट से, लेट्स स्टार्ट विद ग्रैनुलोसाइट्स। बेटा मैं ना पहले डायग्राम बना रही हूँ तीनों के, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है फिर आप मेरी हेल्प करेंगे टेबल को फिल करने में, राइट। चलिए 1 2 3 मैं डायग्राम बनाऊंगी, उससे आप पहचानेंगे कि कौन सा सेल है, राइट। गेम खेले, लेट्स प्ले अ गेम,
लेट्स मेक दिस मोर इंटरेस्टिंग दिस सेशन. मैं यहाँ सेल्फ बनाती हूँ पहले फटाफट से अपने बच्चों के लिए, जिससे कि आइडेंटिफाई करे वन कौन सा है, टू कौन सा है, थ्री कौन सा है. ठीक है, क्वेश्चन आपको नीट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पे आपसे पूछा जाता है कि भाई आइडेंटिफाई द सेल. यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, आइडेंटिफाई द सेल. पहला सेल कौन सा है? पहला सेल इज न्यूट्रोफिल. ठीक है, पहला कौन सा बच्चों? न्यूट्रोफिल, विच इज द फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल. ठीक है, सेकेंड वाला जिसके पास दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस के लोब है, ठीक है, बायलोब न्यूक्लियस, ये कौन सा है? इओसिनोफिल. कौन सा है? इओसिनोफिल. फिर तीसरा जिसके पास ट्राइलोब्ड है वो है बेसोफिल. अगर आपने यही आंसर दिया था तो अपने नाम के आगे दिल बनाने में हिचकिचाना मत मेरे बच्चों. इस न्यूट्रोफिल को हम पीएमएनएल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पीएमएनएल्स. पीएमएनएल्स क्या होता है? पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट, ठीक है. अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इसका क्या? मल्टीलोड. अच्छा, सबके नाम के आगे दिल है, इतने होशियार हो गए तुम. अभी 9:15 बजे ना इसका भी क्विज होने वाला है, अभी मेरे को सब पता लग जाता है. ये झूठी है दुनिया, सब पता लग जाएगा, डोंट वरी बेटा. 9:15 बजे अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, डोंट वरी. जो इतने इंटेलिजेंट बनते हैं ना, दिल पार्टी में तो इतने आगे. बस अच्छा, दिल मांगा मैंने कब से बैठे थे देने के लिए, मैं मांग ही नहीं रही थी. यस, सब पता मुझे गधों के बारे में. चलो आज आप इसे नंबर पे बात करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट इट्स नंबर, जो न्यूट्रोफिल्स है वो सबसे मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, यानी कि 60-65% आर न्यूट्रोफिल्स. इओसिनोफिल्स की बात करें तो 1-3% हो सकते हैं. बेसोफिल की बात करें तो 0.5-1% तक हो सकते हैं हमारे बेसोफिल. ठीक है, अगर इनकी लाइफ की बात करें तो वीक वीक वीक, एक हफ्ते तक ये जी सकते हैं. अब इसके फीचर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट इट्स फीचर, व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल. न्यूट्रो मींस न्यूट्रल लवर्स, इन्हें सब पसंद है. यस, आनी चाहिए पसंद, मेनू सब है, कोई हाँ तो बोले. ठीक है, यानी कि दे आर स्टेन्ड विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज, कैन बी स्टेन्ड विद बोथ बेसिक एंड एसिडिक डाई, दोनों ही डाई से हम स्टेन कर सकते हैं. फैगोसाइटोसिस, ये जाते हैं और अपने दुश्मन को निगल लेते हैं, जाते हैं अपने दुश्मन को निगल लेते हैं. ठीक है, इसके अलावा दे ऑल्सो शो डायपिडेसिस. डायपिडेसिस क्या है? पतली गली से निकले हाय हाय, पतली गली से ये निकले हाय हाय. यस, ठीक है, बस यानी कि ये छोटी छोटी जगहों से ब्लड वेसल से निकलते हैं और सीधा दुश्मन की गली में पहुंच जाते हैं. ठीक है बच्चों, यस. अब आते हैं सेकेंड पे, इओसिनोफिल. इओसिनो मींस एसिड, फिल माने जो तुम नहीं हो, लवर. यानी कि दे आर स्टेन्ड विद एसिडिक डाई. ठीक है, दे आर स्टेन्ड विद एसिडिक डाई. स्टेन विद एसिडिक डाई, राइट मेरे बच्चों. फिर दूसरी चीज अगर हम देखें इसमें तो एलर्जी, ई से एलर्जी होती है, यानी कि दीज सेल्स पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन अगर होता है तो ये इन सेल्स में माता आ जाती है. ये कहते हैं पैरासाइट आए, ठीक है, यस. तो इस तरीके से इनमें माता आ जाती है उसी टाइम पे. वहीं पे अगर बेसोफिल की बात करें तो बेसो मींस बेसिक, बेसिक फिल माने लवर, जो आप नहीं है. ठीक है, तो यानी कि दे आर स्टेन्ड विद, कम ऑन गाइस, दे आर स्टेन्ड विद बेसिक डाई. ठीक है, नाउ इसकी खासियत क्या है? ये बिल्कुल मास्टर सेल की तरह काम करता है, मतलब इट इज गोइंग टू रिलीज थ्री थिंग्स, इट इज गोइंग टू सिक्रीट थ्री थिंग्स मेरे बच्चों. फर्स्ट हिस्टामिन, विच इज अ वेसो डायलेटर. ठीक है, सेरोटोनिन, विच इज अ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर. हिपैरिन, विच इज एंटी कोएगुलेंट. अब आते हैं इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ सेल पे चल रहे हैं, यानी कि हम आ रहे हैं अब ग्रैनुलोसाइट्स की जगह ए ग्रैनुलोसाइट पे. ठीक है, टेबल को पूरा करते हुए आप और मैं.
चलो अब मैं वापस से सेल बनाऊंगी, आप आइडेंटिफाई करेंगे. व्हाट डू यू वांट टू से? विल यू आइडेंटिफाई फॉर मी? यस मैम, आप ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते हो तभी ठीक है. मैं कुल मिला के बोला है मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ. सच? एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तूने? चलो क्या बोलूं मैं, इतने नादान से बच्चे हैं ना, क्या बोलूं मैं बेटा. अगर मैंने इतना भी नहीं पढ़ाया ना तो मैं नीट की टीचर ही नहीं कहलाऊंगी, सच बता रही हूं. अगर मैंने इतना भी पढ़ाना छोड़ दिया ना, बच्चे कहेंगे नीट की टीचर ही नहीं है भाई. यस. चलो यहाँ पे आपको दो तरह के सेल्स फिर से दिख रहे हैं. कौन सा पहला सेल है, कौन सा दूसरा सेल है, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में. पहला वाला मोनोसाइट है, सही बोला. तो दूसरे वाला कौन सा है? लिम्फोसाइट. ये भी सही बोला, ठीक है. यस आंखें मेरी बेटा, मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल स्क्रीन के लिए मना कर दिया, आपको पता है. इतने महंगे चश्मे लगा लिए, सब लगा लिया, आंखों का कोई इलाज नहीं हो रहा. मोनोसाइट. दूसरा कौन सा है? लिम्फोसाइट. दूसरा कौन सा बच्चों? लिम्फोसाइट. ठीक है, अब मोनोसाइट पे अगर हम आए तो सबसे पहले इसका परसेंटेज देख लेते हैं. कितना परसेंटेज दिया एनसीईआरटी ने, चलो जल्दी बताओ. 6 to 8% दिया एनसीईआरटी ने, जबकि लिम्फोसाइट एनसीईआरटी ने दिया 20 to 25%. जहां पे हम मंथ तक ये सर्वाइव कर सकते हैं या अप टू इयर्स, क्योंकि ये मेमोरी सेल्स बना लेते हैं. लिम्फोसाइट में दो तरीके के होते हैं मेरे बच्चों. कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के. इसी के साथ मेरा अनअकैडमी नी टॉपर चैनल अपन की मेहनत 9 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गई है, थैंक यू सो मच बच्चों. बी सेल और दूसरा हमारा टी सेल. बी सेल बोन मैरो में बनता है, मेच्योर भी बोन मैरो में होता है, जबकि जो टी सेल है इसका मेच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस में होता है. कहाँ होता है मेच्योरेशन? थाइमस में. ठीक है, अब इसके फीचर्स के ऊपर आते हैं बच्चों. लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स. जो मोनोसाइट्स हैं ये भी डायबिटिसिस शो करते हैं. पतली गली से मैं निकला, हाय हाय हाय. ठीक है, यस ये भी डायबिटिसिस शो करते हैं. एंड दे आर आल्सो फैगोसिटिक इन नेचर. कैसे होते हैं ये? फैगोसिटिक इन नेचर. वहीं पे अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इनका काम है एंटीबॉडीज बनाना. बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज बनाती है. बी सेल क्या बनाती है? एंटीबॉडीज, दुश्मन को मारने के लिए हथियार बनाती है ये. वहीं पे टी सेल कहता है छोड़ सब कुछ, उठा खंबा और मार. ठीक है, यानी कि किलर होते हैं ये, दे आर किलर सेल्स. हाथों हाथ वहीं पे मौत. ठीक है बच्चों, इसी के साथ टेबल हो गई समाप्त. हो गया भाई एक और टॉपिक कंप्लीट. जी स्क्वायर आर्मी, कोई दिक्कत? ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी आर नाइसली कवर्ड इन दिस टेबल. दिस इज अ कंप्लीट माइंड मैप फॉर यू फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन. क्या लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जबरदस्त है. ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे पूरे सेल्स कंप्लीट. सारे तरीके के हमने सेल्स कर लिया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको करना है रिगार्डिंग द ब्लड इज ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है, यस. चलो कोई नहीं, आ जाए यार, तुम खुश रहा करो, बस रोया मत करो, खुश रहा करो तुम बच्चे, मेरे को क्या चाहिए. ओहो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं. कौन सा नंबर का टॉपिक है, एक सेकंड में देख लूं. काफी पहले लिखा था ना, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ. फिफ्थ शुरू कर रहे हैं. ठीक है चलो भाई, पांचवा टॉपिक शुरू करेंगे आप और मैं मिलके. फिफ्थ टॉपिक ऑफ द डे. फिफ्थ टॉपिक हम कौन सा करेंगे? ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है चलिए, लेट्स स्टार्ट ब्लड ग्रुपिंग. लेट्स स्टार्ट विद ब्लड ग्रुपिंग. कौन दिया था भाई ब्लड ग्रुपिंग? ठोको आंसर चैट बॉक्स में. कौन दिया था ब्लड ग्रुपिंग? यस कौन दिया था, कौन दिया था? कार्ल लैंड स्टीनर. कार्ल लैंड स्टीनर दिए थे ब्लड ग्रुपिंग. कौन सा दिए थे ब्लड ग्रुपिंग? एबीओ ब्लड ग्रुप. कौन सा दिए थे? एबीओ टाइपिंग. अब देखो ये क्या कह रहे हैं, एक ऐसी चीज होती है जो आप अपने माता पिता से लेकर आते हैं बचपन में, जब पैदा होते हैं. आई नो लेकर आते हैं आप एक चीज है, उसका नाम क्या है? एंटीजन. क्या लेकर आते हैं आप? एंटीजन. और ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे. तो ये है मेरा आरबीसी, ये हमारा आरबीसी है. ठीक है, अगर इस आरबीसी की बात करें तो इस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ अ शुगर. यानी कि अपन के आरबीसी पे एक
शुगर चिपकी हुई है, शुगर को हम एंटीजन बोलेंगे। ये वो एंटीजन है जो आप अपने माता पिता से लेकर आए हैं पैदा होते वक्त, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे एंटीजन ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एंटीजन ए, तो इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है एंटीजन बी। इस तरीके से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एंटीजन्स, ये वो ब्लड शुगर्स हैं, ये वो ब्लड शुगर है जो इनहेरिट होती है। क्या होती है, इनहेरिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। अब आ जाओ इसकी टेबल बना लेते हैं, इसकी भी बना ले भाई। टेबल बना रही है मैम, ये रही। यहां पे हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यहां हम लिखेंगे एंटीजन, यहां हम लिखेंगे एंटीबॉडी, बस तीन ही कॉलम बनाने हैं, ज्यादा बड़ी बना दी टेबल। यस चलो आ जाओ, फर्स्ट बनाएंगे ब्लड ग्रुप, क्या बनाएंगे, ब्लड ग्रुप। दूसरा क्या बनाएंगे, एंटीजन। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, एंटीजन ऑन ऑन आरबीसी। वहीं पे तीसरी चीज हम लिखेंगे एंटीबॉडी, कौन सी लिखेंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, इन सीरम। अब आप कहेंगे मैम आपने सीरम पढ़ाया नहीं, यहाँ पे आप लिख देते हो, ये चीज हमें आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप लिखोगे भी नहीं। मैं कहूंगी सॉरी बच्चों, मैं अभी सीरम बता देती हूँ, ब्लड नहीं, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या होते हैं सीरम मेरे बच्चों, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसको हम बोलते हैं सीरम। अगर देसी भाषा में मैं समझाऊं तो जो खुरंट होता है ना, खुरंट जो चोट लगती है, खुरंट, खुरंट से एक लिक्विड आता है ना, एक फर्स्ट टाइप लिक्विड आता है, उसको हम सीरम बोलते हैं, ठीक है बच्चों, उसे सीरम बोलते हैं। तो वहां पे हमारी प्रेजेंट है एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ए और बी एंटीजन तो है, बट एक नालायक एंटीजन एक और है जिसका नाम है आरएच एंटीजन। ये वो एंटीजन है जो सबसे पहली बार किसमें देखा गया था, रीजस मंकी में। किसमें देखा गया था सबसे पहली बार, सबसे पहली बार इसे देखा गया था रीजस मंकी में, ठीक है। तो अब आते हैं इसी के बेसिस पे, देखते हैं क्या ब्लड ग्रुप होने वाला है। आइए बच्चों आप और मैं मिलके, आज लग रहा है थोड़ा सा ना पानी ज्यादा पी लिया, ब्लॉटिंग बहुत हो रही है। वैसे मैं मोटी नहीं हूँ, ये सारा पानी है बेटा, दिस इज ऑल वाटर। हाँ मैं, वाटर रिटेंशन बहुत हो जाता है, फिर बच्चे कहते हैं मोटी है, सारा पानी है, देख लो पानी तो है। यस चलो आ जाओ, एक ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी है, बी पॉजिटिव है, ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, ओ है, ओ पॉजिटिव है। ये मेरे पास सारे ब्लड ग्रुप्स हैं जो मुझे मिल सकते हैं अपन की पॉपुलेशन में, ठीक है ना मेरे बच्चों। अब मुझे ध्यान से बताना, ए नेगेटिव यानी कि इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कम ऑन कम ऑन बच्चों, कौन सा प्रेजेंट होगा, सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। जबकि ए पॉजिटिव में इसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन और आरएच एंटीजन, दो एंटीजन होंगे, दो एंटीजन। यहां पे बी एंटीजन होगा, तो यहां पे बी और आरएच एंटीजन होगा, बी और आरएच। यहां पे ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे ए बी और आरएच एंटीजन, तीनों एंटीजन प्रेजेंट है भाई, इसकी सबसे बड़ी मौज है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है मेरे बच्चों, नो एंटीजन, ठीक है। ओ पॉजिटिव के पास सिर्फ आरएच एंटीजन प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ इट्स आरबीसी। अब आते हैं एंटीबॉडी। इफ आई टॉक अबाउट एंटीबॉडी, बेटा देखो अगर ए एंटीजन के अगेंस्ट ए एंटीजन एंटीबॉडी होगी तो ये तो आपस में लड़ धड़ के मर जाएंगे, है ना बेटा। यस ये तो आपस में लड़ धड़ के मर जाएंगे, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप शादी करो तो थोड़ी डिफरेंट फील्ड के बंदे से करो। यस क्या ना, फिर कंपटीशन नहीं होगा, आप समझ रहे हो ना, हंसती खेलती लाइफ रहेगी, जस्ट अ टिप फ्रॉम जी स्क्वायर। यस बच्चों, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगी वो ए नाउ के कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी। इसके पास होगी एंटीबॉडी बी, इसके पास होगी एंटीबॉडी ए। झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में, एंटीबॉडी ए, इसके पास एंटीबॉडी होगी ही नहीं, इसके पास भी एंटीबॉडी नहीं होगी, बट इसके पास दोनों एंटीबॉडी होगी क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। यस तो इस तरीके से रहेगा हमारा ब्लड कॉम्पोजिशन, ठीक है। इस तरीके से क्या रहेगा, हमारा ब्लड कॉम्पोजिशन रहेगा। अब सवाल जो आता है नीट में वो क्या आता है,
सर्वग्राही कौन है, सर्वदानी कौन है, इन सारे ब्लड ग्रुप्स में से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है? आंसर इज ओ नेगेटिव। जो सबसे ब्लड ले सकता है वो कौन है? ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव इज माई यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे नालायक है, ठीक है। जबकि ओ नेगेटिव वाला क्या है, ये सबको ब्लड दे सकता है बिना सोचे समझे, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं होता है, तो इट इज यूनिवर्सल डोनर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे हम छोटा सा, वैसे तो क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं होता माइंड मैप सीरीज में। यस आइए, पहला, एक बच्चा हार्दिक का कह रही है, मैम आप कितने सुंदर लग रहे। चलो क्वेश्चन नंबर वन, क्या ए बी नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, येस और नो? चलो जल्दी आंसर ठोको चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ आंसर, कम ऑन गाइस। जहां जोश कम हुआ नीट हाथ से खिसका, जहां जोश कम हुआ नीट हाथ से खिसका, जो जाएगा वो खोएगा, जो यहां रहेगा वो नीट क्लियर कर जाएगा। यस नो यस नो यस नो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये, यस नो यस नो। हाँ भारत मैट्रिमोनियल खोल के बैठे हो क्या? यस नो यस नो, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ये, आंसर क्या होगा? चलो अब मैं बताती हूँ। ए बी नेगेटिव के पास कौन कौन से एंटीजन है? ए और बी। इसके पास कौन से एंटीजन है? ए और आर एच। अगर ये इसको ब्लड देगा, इसके पास तो बी एंटीजन नहीं है, इसके पास तो एंटीबॉडी बी है, और यहां से बी आ जाएगा तो ये तो लड़ाई हो जाएगी, ये तो लड़ाई हो जाएगी। इसके पास एंटीबॉडी बी है, यहां से बी एंटीजन आ गया, लड़ाई हो गई, यानी कि ट्रांसफ्यूजन फेल। तो दिस ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, आंसर इज नो। समझे कि नहीं समझे? है भाई जी स्क्वायर आर्मी, ऐसे देखना है क्वेश्चन को, नहीं समझे? चलो एक और कर लेते हैं, एक और करा रही हूं। ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? दे सकता है, नहीं दे सकता है? एन जी नहीं दे सकता। ब्रिजेश यहीं से आएगा, एक लप्पड़ गलत आंसर दे रहा है शुभांगी, यहीं से आएगा, यहीं से। दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो सेशन में? इसके पास कौन सा एंटीजन है? आरएच। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये आरएच एंटीजन इसके बॉडी में जाके जनरेट नहीं करा देगा एंटीबॉडी, फेल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। सुनोगे नहीं, यहीं से आएगा लप्पड़, ठीक है? यस। तो इस तरीके से ट्रांसफ्यूजन के जब भी क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आंसर देना है, ऐसे अंधेपन में आंसर मत दिया करो, गांधारी नहीं हो तुम लोग, ठीक है? चलो ये वाला टॉपिक भी डन एंड डस्टेड हो गया, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है एनसीईआरटी में, जल्दी बताओ। ब्लड क्लॉटिंग है सिक्स्थ टॉपिक, नहीं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है पहले। हाँ चलो, पहले जो टॉपिक मुझे बताना है वो बताना है एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस, इसी का दूसरा नाम एनसीईआरटी दी है हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न, यही दिए ना एनसीईआरटी, सारे नाम लिख लिया करो HDN। इसमें से हीमोलिटिक का मतलब क्या है बताना जरा चैट बॉक्स में, क्या मतलब है हीमोलिटिक का? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, क्या मतलब है इसका? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, क्या मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी? हर चीज का मतलब आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने नोट्स में कुछ लिख रहे हैं तो ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जो बिना समझे आप लिख रहे हैं, क्योंकि जहां आपने ये करना शुरू कर दिया दैट मीन्स आप रटने की कगार पे चले गए, अब आप समझ के कभी आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? चलो बेटा अब केस समझा दे तुम्हें सारा, क्या हुआ मुंडे नू जो ब्लड था, मुंडे ने जो ब्लड था यानी फादर जो पप्पा का ब्लड था, देखो मुंडा बोलो समझ नहीं आता है, पप्पा बोलने से सबको समझ में आ जाएगा, पप्पा का जो ब्लड है वो क्या है आर एच पॉजिटिव,
पापा ए पॉजिटिव हो सकते, बी पॉजिटिव हो सकते, ए भी पॉजिटिव हो सकते, ओ पॉजिटिव हो सकते, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है पापा आर एच पॉजिटिव है बस, ठीक है। वहीं पे जो अम्मा है, मम्मी, वो क्या आर एच नेगेटिव है, मम्मी क्या आर एच नेगेटिव, ठीक है। शादी हो गई, खुशखबरी का समय आ गया, पहली गुड न्यूज आ चुकी है मेरे बच्चों, ठीक है। अभी घर में खुशियां चल रही हैं, गुड न्यूज। अब गुड न्यूज ये है कि जो फीटस है, जो बाबू है, बाबू भी क्या है आर एच पॉजिटिव है, तो बाबू किस पे गया है, पप्पा पे गया है, बाबू किस पे गया है मेरे बच्चों, पप्पा पे गया है, ठीक है ना। हाँ, नालायक कहीं का, पप्पा पे गया है बाबू, ठीक है। अभी क्या हुआ, फर्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है, घर में खुशियां चल रही है, यस, है ना, लड़का होगा लड़की होगी, ये सब नाटकबाजी चल रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या है, फीटस और मदर के बीच में एक बैरियर होता है, उस बैरियर का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के कारण कभी भी ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता है, तो यहाँ पे जो भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, इट अकर्स थ्रू डिफ्यूजन, किसके माध्यम से हो रहा है, डिफ्यूजन के माध्यम से, ठीक है बच्चों, प्लेसेंटा। बट क्या हुआ, जब पार्चुरेशन, चाइल्ड डिलीवरी, पार्चुरेशन यानी कि बैग लेके चलो हॉस्पिटल, ठीक है, हाँ मुन्ना आने वाला जा रहे हैं, हाँ बहू को लेके जा रहे हैं, मुन्ना आने वाला है, यस, मुन्नी भी आ सकती है, हाँ चल रहे हैं, ठीक है, मेरी मुन्नी की आवाज तो आएगी वहां से, बहुत बहुत दंगे हैं आजकल। अच्छा चलो, पार्चुरेशन का समय आ गया, पार्चुरेशन के समय क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग ऑफ फीटल ब्लड विथ मेटर्नल ब्लड, विथ मेटर्नल ब्लड मिक्सिंग हो रही है। अब जब मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, क्लास चल रही मेरी यूट्यूब, तो टकलू हो गया, अभी नहीं आना यहाँ पे, रोटी खा ली अभी। रोटी खा ली, चलो अभी मम्मा क्लास ले लो, बाबू अभी नहीं प्लीज, पापा साथ खेलो जाओ। देखा बच्चों का नाम लेते, बच्चों पता नहीं कहाँ से इनके सेंसर चालू हो जाते हैं यार, ये अभी क्या ना उसको मुंडन हुआ, अभी यहाँ पे लाएंगे, फिर फालतू वीडियो वीडियो बनाएंगे, फिर बेकार में बेटी के बारे में कुछ लेंगे, फिर मैं दो सुनाऊंगी वहीं पे खड़े हो गए, है ना, यस। तो इसलिए ये सब अवॉइड करते हैं अभी। तो मिक्सिंग ऑफ फीटल ब्लड है विद मेटर्नल ब्लड, जैसे ही मिक्सिंग होगी तो आपको ध्यान देना होगा कि आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस मिक्सेस मिक्सेस विथ मेटर्नल ब्लड। अब जैसे ही माँ के ब्लड में आर एच पॉजिटिव ब्लड जाएगा, द मदर ब्लड विल सिंथेसाइज एंटीबॉडीज, क्या बनाएगी मदर, एंटीबॉडीज। तो मदर के ब्लड ने क्या बना ली, एंटी आर एच एंटीबॉडी, मदर ने ये सिंथेसाइज कर ली है अपने ब्लड में। क्या पहली प्रेगनेंसी सबको क्लियर हो गई बच्चों, इस प्रेगनेंसी में किसी को कुछ पता नहीं चला, सब बहुत खुश है घर में, मुन्ना मुन्नी जो भी आया आया, सब बहुत खुश है, ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड प्रेगनेंसी, फिर से खुशखबरी आ गई, बहुत जल्दी आ गई खुशखबरी, ठीक है, नालायक कहेंगे, पापा तो वही रहेंगे, मदर भी वही रहेगी, फादर क्या है आर एच पॉजिटिव रहेगा, मदर क्या रहेगी आर एच नेगेटिव। इस बार फिर से बच्चा जो है चला गया पप्पा पे, नालायक कहेगा, फिर से चला गया पप्पा पे, ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या, इस बार तो मदर ने क्या बना रखी थी, एंटीबॉडीज, ये फीटस है, ये मदर है, और इनके बीच में है प्लेसेंटा, ये जो एंटी आर एच एंटीबॉडी थी, एंटी आर एच एंटीबॉडी, दिस विल क्रॉस प्लेसेंटा, दिस विल क्रॉस प्लेसेंटा, एंड ये जो एंटीबॉडी है इट विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन आरबीसी, ये एंटीबॉडी ब्रेक करेगी किसको, आरबीसी को, इसके कारण बच्चा एनीमिक हो जाएगा, जो सेकंड बच्चा वो पेट में ही गर्भ में ही क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि उसका आरबीसी टूटना शुरू हो चुका है, बच्चा क्या हो जाएगा बच्चों, एनीमिक हो जाएगा, और हो सकता है जब उसका बर्थ हो तो वो स्टिल बर्थ हो, डेड भी हो सकता है बच्चा, ठीक है। मैम मिक्सिंग कैसे हुई, प्लेसेंटा तो था ना, अब देख मेरा बच्चा, जब ना बच्चा पैदा हो रहा होता है तो प्लेसेंटा निकलता है, जब प्लेसेंटा निकलता है तो खून निकलता है, और खून जो है माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है ना बच्चा, यस। तो ये है हमारा इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसमें डॉक्टर क्या करता है, अगर डॉक्टर को पता लगे कि भाई ये तो बहुत ही फालतू की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आजकल डॉक्टर क्या देते हैं, इसके अगेंस्ट पहले इंजेक्शन दे देते हैं किसके, रोगम के,
ये जो रोगम का इंजेक्शन है ये किल कर देगा एंटीआरएच एंटीबॉडी को, तो सेकंड प्रेगनेंसी में जो ये इतनी बड़ी समस्या आपके सामने आन खड़ी हुई है वो नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? डन डन आर डन डन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ये टॉपिक सबको क्लियर है? मूविंग ऑन टू द सेवन टॉपिक ऑफ द डे। चले बच्चों सेवन टॉपिक पे, पानी देखो है या नहीं, पानी पियो फटाफट बच्चे। हाँ, सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद भी रहेगी, अब उसे तीसरा बच्चा करना है तो सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद भी बेटा रोगम का इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो तो बेटा डिपेंड करता है ना कि एक कपल कितने बच्चा करना चाहता है, वैसे तो आजकल आपको पता ही है। यस, तीसरा हो तो बवासीर, आपने वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा। यस, हम दो हमारे दो, बस इतना बहुत है बेटा, इससे ज्यादा जाओगे तो देखो खतरनाक हो जाएगी सिचुएशन, समझना चाहिए आपको। यस ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, सेवन टॉपिक पे चल रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग पे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये भी हमारा एक टॉपिक है, अगर आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को हम ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं? ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, यस। चलो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन, या मुझे बताना है, बहुत सिंपल मैं एक फ्लो चार्ट बनाने वाली हूँ, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है नीट एग्जाम के लिए, इसी फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, यस। ब्लड क्लॉटिंग तो सबको समझ में आता है ना, खून रोकना, बहते हुए खून को रोकना इस ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब हुआ क्या? ट्रॉमा, इंजरी, नहीं मैं प्यार करती हूँ राज तुमसे। ठीक है बेटा, यस, ट्रॉमा या इंजरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चोट लगना बेसिकली, या चोट लग गई, खत्म करो ना हिंदी में। ठीक है, ट्रॉमा या इंजरी होने से क्या होता है? प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स वहां पे पहुंच जाती है, नहीं मैं बचाऊंगी तुझे, प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स पहुंच जाती है वहां पे कि मैं तेरे को बचा के रहूंगी। ठीक है, पहुंच गई प्लेटलेट्स, यहाँ पे इतने में प्लेटलेट्स पहुंचती भी नहीं है, मम्मी अपनी हल्दी लेकर आ जाती है, खून निकला, हल्दी लगा, हल्दी लगा, हल्दी लगा, प्लेटलेट भी कह रही, अरे ये काम मेरा था मम्मी। यस, तो इतने में क्या है, प्लेटलेट्स आ गई, प्लेटलेट्स रिलीजेस फैक्टर्स लाइक थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। वेरी गुड बेटा, बेटा प्रबनूर प्लीज, बेटा जो भी आपको पेमेंट मिली है ना, अब आपका काम हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, प्लीज जाओ बेटा, मेहनत मत करो, जितनी पेमेंट मिली उतने में इतना ही काम होता है। ठीक है, जाओ बेटा जाओ, हाँ आप जा सकते हो बेटा, मैंने मान लिया, हाँ ठीक है, अब बस ठीक है ना, पेमेंट मैंने मान लिया, अब आप भी रिलैक्स करो, मान लिया मैंने, ठीक है चलो जाओ। चलो, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हो गए बच्चों, यस। अब एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स यहाँ पे हमारी आ गई, नाउ दे आर गोइंग टू रिलीज फैक्टर्स लाइक थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। कौन से फैक्टर्स रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन्स बच्चों, ठीक है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स है ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है। ये क्या बच्चों? हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, यस, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट एंजाइम लाइक थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट कर रहे बच्चों? थ्रोम्बोकाइनेज, ये एंजाइम है, और इस एंजाइम को काम करने के लिए साथ में चाहिए होता है कैल्शियम। क्या चाहिए होता है बच्चों? कैल्शियम। ठीक है, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये ब्लड में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को, कहाँ प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन बताना मुझे, कहाँ प्रेजेंट है ब्लड में, कहाँ प्रेजेंट है ब्लड में? ठीक है, यस, ब्लड में प्रेजेंट है, बट ये बनता कहाँ है? इसका फॉर्मेशन होता है लिवर में। कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है बच्चा पार्टी? लिवर में। ठीक है, और लिवर में इसके सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए होता है वाइटमिन के, तो अगर वाइटमिन के होगा तो लिवर में प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन पे काम करके उसे कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है थ्रोम्बिन। क्या नाम है उसका? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, अब ये जो थ्रोम्बिन है ये ब्लड में प्रेजेंट फिब्रिनोजन को, किसको? ब्लड में प्रेजेंट फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा, किसके अंदर बच्चों? फिब्रिन में। किसमें करेगा? फिब्रिन में। ठीक है, और ये जो फिब्रिन है ये क्या है? प्रोटीन फाइबर्स है। कैसे फाइबर्स है बच्चों? यस, कैसे फाइबर्स है? प्रोटीन फाइबर्स। कैसे फाइबर्स है? प्रोटीन
फाइबर्स। ये प्रोटीन फाइबर्स क्या बनाएंगे? क्लॉट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लॉट। एंड दिस क्लॉट विल सील द वुंड। यही क्या करेगा? ये क्लॉट क्या करेगा? सील कर देगा वुंड को। बस खून बहना रुक जाएगा। ठीक है? यस। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां पे दो तीन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, मान लो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई ब्लड में, तो क्लॉटिंग का प्रोसेस फास्ट होगा या स्लो होगा? जल्दी बताइए। क्लॉटिंग का प्रोसेस फास्ट होगा या स्लो होगा? जल्दी बताइए। यस, जल्दी बताइए। डिलेड क्लॉटिंग, डिलेड क्लॉटिंग। ठीक है, वहीं पे दूसरा, ये जो मैकेनिज्म है ये कैसा है? इट्स अ कैस्केड मैकेनिज्म। एक के बाद एक चेन रिएक्शंस हो रहे हैं, तो कैस्केड मैकेनिज्म को हम एक तरह से चेन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म लिखवा दिया है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से थम्स अप बना दो चैट बॉक्स में फटाफट से, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज लिम्फ। यस, स्टार्ट करें। कैस्केड का मतलब जॉय, चेन रिएक्शन। कैस्केड का मतलब जॉय, चेन रिएक्शन। मैम ने लिखा है तेरे लिए। यस, चले अब आगे चलते हैं बच्चों। एट्थ टॉपिक हम करने वाले हैं, आज का एट्थ टॉपिक है हमारा लिम्फ। लिम्फ को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? मिडल मैन। क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? मिडल मैन, दूसरा नाम। ठीक है, अब लिम्फ क्या है? कलरलेस है, रेड है, पिंक है, गुलाबी आंखें हैं, क्या है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। मैम, ईडीटी है यूज इन ब्लड बैंक। यस शुभांगी, वेरी गुड शुभांगी। शुभांगी तो बहुत अच्छे आंसर दे रही है। कह रही उसने पहले वाला क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, तो उसे डांट भी पड़ी, बट नाउ शी इज गिविंग वेरी गुड आंसर। गुड जॉब शुभांगी, वेरी गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब लिम्फ पे आते हैं मिडिल मैन पे, तो ये जो है सबसे पहले हम इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि होता कहाँ है। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये जो लिम्फ है, दिस इज कलरलेस टू पेल येलो इन कलर, ऑलमोस्ट कलरलेस से बहुत हल्का पीला रंग हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत हल्का पीला रंग हो सकता है। ठीक है, कलरलेस टू, बेटा ये कलर दिख रहा है सबको? पिंक कलर, पेल येलो। लड़कियां तो कह रही है मैम बहुत अच्छे से दिख रहा है, यही कलर अच्छे से दिख रहा है। यस, ठीक है, कलरलेस टू पेल येलो होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कि आखिर इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर वाटर होता है, यस मेरे बच्चों। इसके अंदर कैल्शियम होता है, यस मेरे बच्चों। इसके अंदर प्रोटीन होता है, यस मेरे बच्चों। हार्मोन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल होती है। इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल होता है वेस्ट प्रोडक्ट, यस बिल्कुल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, WBCs होते हैं, WBC होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती है? हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं मिडल मैन। आखिर ये बनता कैसे? चलिए आइए देखते हैं। दिख रहा है ना कलर सबको? मैं थोड़ी सी कलर स्कीम चेंज कर रही हूं, जिससे कि अच्छा लगे सबको। बीच बीच में कलर चेंज होता रहता है ना, ऐसे नयापन सा आता रहता है। ऐसे लोग बहुत बेहतरीन स्लाइड बनाई आज हमने। ठीक है, अब ये बनता कैसे देखिए बच्चों। ये मेरे टिश्यूज है, क्या है ये? टिश्यूज। क्या है ये? टिश्यू। ठीक है, और ये है मेरी ब्लड कैपिलरी। क्या है बच्चों ये? दिस इज माय ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। अब होता क्या है? यहां पे एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज कैसे कैसे हो रहा है जल्दी देखिए। यस, यहां से जा रहा है मेरा ऑक्सीजन, ब्लड कैपिलरी से, ब्लड से जो टिश्यू के पास जा रहा है ऑक्सीजन, यहां से जा रहा है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां से इधर जा रहा है ग्लूकोज, यहां से जा रहा है यूरिया। ऐसी चीजें एक्सचेंज हो रही है, मानते हैं आप? जब एक्सचेंज होता है तो बीच में लीकेज होती है ना? बीच में क्या होती है? लीकेज। और जो चीज लीकेज से बनती है उसे मैं लिम्फ कहती हूँ। उसे मैं क्या कहती हूँ? लिम्फ कहती हूँ, या फिर मैं उसे बोलती हूँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलती हूँ? सब बोलेंगे एक्स्ट्रा
सेलुलर फ्लूइड, या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ इंटरस्टीशियल फ्लूइड, या क्या बोल सकती हूँ, इंटरस्टीशियल फ्लूइड। अब आप कहेंगे मैम फिर इसे कलेक्ट कौन करेगा, ऐसे तो ये जिंदगी भर में बहुत इकट्ठा हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएंगे, हम तो फूल के बटाटा बड़े हो जाएंगे, तो इसको कलेक्ट कौन करेगा? इसको सबसे पहले कलेक्ट करेगी लिम्फैटिक कैपिलरीज। कौन कलेक्ट करेगा? लिम्फैटिक कैपिलरीज। ये लिम्फैटिक कैपिलरीज किसको ज्वाइन करेंगी? लिम्फैटिक वेसल। किसको ज्वाइन करेगी? लिम्फैटिक वेसल को। ये लिम्फैटिक वेसल किसको ज्वाइन करेगी? लिम्फैटिक डक्ट को। डक्ट किसको ज्वाइन करेगी? इंफीरियर नहीं सुपीरियर वेना कैवा। किसको ज्वाइन करेगी? वेना कैवा। तो यानी कि ये बना भी ब्लड से और मिलेगा भी ब्लड में, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है, तो किसी की बुराई और किसी की अच्छाई करके कुछ नहीं मिलना है। सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे तो शायद इस जीवन के कुछ साल को बहुत बेहतरीन तरीके से हम जी लेंगे। ठीक है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाना है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जाना सबको उसी पे ही है लेट के। तो इसलिए ये सब चीजें बेकार की है, ये सब चीजें छोड़ दो, कंपैरिजन वंपैरिजन छोड़ो, बस एक चीज पे फोकस रखो कि मैं अपनी लाइफ को कितना सॉर्टेड और कितने अच्छे तरीके से जी सकता हूँ एज अ गुड ह्यूमन बींग। ठीक है बच्चों, तो यही चीज है, ब्लड से ही बना है, ब्लड में ही मिल जाएगा, बस बीच में ट्रैवल कर लेगा थोड़ा सा, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। टॉपिक क्लियर? थम्स अप लगा दो सब चैट बॉक्स में। सांस लिया भाई, लंबी सांस लेनी पड़ती है, थक जाते बोलते बोलते। मैम इंटेस्टाइनल विलाय क्या होता है? जो इंटेस्टाइन में फोल्ड्स होते हैं म्यूकोसा के, उसको इंटेस्टाइनल विलाय बोलते हैं। लैक्टील तो नहीं पूछ रहा तू शायद? हो गया। अब आते हैं फाइनली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। आ जाए आ जाए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वो, अब हमारा ह्यूमन वाला पार्ट पूरा बचा है। ये तो यार इस चैप्टर में ना ये इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक बहुत सारे हैं। चलो आ जाओ, अब हम नाइन्थ टॉपिक पे आ रहे हैं। नाइन्थ टॉपिक ऑफ द डे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम आई एम लेट। तू लेट नहीं है बेटा, तू बहुत लेट है, तो जिंदगी की रेस में बहुत पीछे चल रहा है। आ जाओ भाई, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी इंसान के हृदय तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा? यस, हृदय बहुत प्यारी चीज होती है। ये दिल वो है जो हम किसी को भी दे देते हैं, बट हम समझते नहीं है कि दिल तो बहुत कीमती है, इसको अपने पास रखना ही समझदारी का काम है। मैम पाथवेज रह गए, चैप्टर का शुरू देखा था, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर देखा था, करवाया है मैंने। यस चलो आ जाओ भाई, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दिल की बात करेंगे। ठीक है, देखो बेटा वो दिल वाला डायग्राम सच बता रही हूँ, मेरे से बनता तो है नहीं अच्छा, तो मैं सिंपल सा बना रही हूँ, मजाक मत बनाना बस। ठीक है, कुछ ऐसा सा बना देती हूँ बस समझाने के लिए, तो बना रहा है भाई। ठीक है। मुझे बहुत भाई यार डायग्राम, वैसे तो आपको पता है मेरी नक्काशी बहुत अच्छी है, एवरीबडी नोज हाउ गुड डायग्राम्स आई मेक। ये हमारे सेप्टम हो गए, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, कोरोनरी साइनस। ठीक है, यहां से हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, यहां से हो गई हमारी एओटा, ये हो गई हमारी एओटा। ठीक है, ये हो गई हमारी आर्च, एओटिक आर्च, महाधमनी चाप, ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन, ये हो गई। ठीक है, बस ऐसे ही बना रही हूँ बेटा, फटाफट से डायग्राम बना रही हूँ। यस मैम, आपका अग्निवेश स्टार्ट करोगे? चल ही रहा है बेटा, मान ले तू सब चल रहा है। यस, ये हो गई हमारी पैपलरी मसल, ये हो गई हमारी पैपलरी मसल, बस यहाँ हो गए हमारे वाल्व्स, ये हो गए हमारे वाल्व्स,
ये हो गया ट्राई कस्पिड, बाय कस्पिड, और यहाँ पे हम बना लेंगे कॉर्डे टेंडिन है। ये हो गए कॉर्डेड टेंडिन है, ठीक है, यहाँ सेमिलोनार वैल हो गए, और ये हो गई हमारी मायोकार्डियल। चलो बेटा कैसा लग रहा है, सर से बताना कैसा लग रहा है। कल इस चैप्टर का टेस्ट नहीं, आज इस चैप्टर का टेस्ट है, ऐ भी इतने एफर्ट्स नहीं लगा रही इसे पढ़ाने में। आप कैसे याद करती हैं? मैं याद नहीं करती, मैं समझती हूँ, सबसे पहली बात तो ये समझो। और बाकी कोई एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, नहीं होती, वही है बाकी। ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है, तुम्हें सुंदर लगना चाहिए बस, और वहां पे मेरी लाइव वॉचिंग गिरनी नहीं चाहिए, जिस पॉइंट पे ये 850 से कम हुए बाकी चैप्टर होमवर्क दे दूंगी मैं। यस, अब आपको अगर मैम इतना ब्लैकमेल कौन करता है मैम, खुल्ले यस। आदित्य कह रहा है मैम भंगाल लग रहा है, सॉरी। कोई नहीं बेटा कोई नहीं, सच्चाई की भी कीमत बहुत होती है। कोई नहीं बेटा कोई नहीं, इट हर्ट्स बट ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगी। चलो आओ बेटा, कलर सारे दिख रहे हैं। अब सबसे पहले मेरे बच्चों को क्या समझना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है। तो आपको ये समझना होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट के पास आता है लंग से। कहाँ से आता है? लंग से, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या कहते हैं उसको? पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ डालती है? लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ डालती है बच्चों? लेफ्ट एट्रिया में जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये जाएगा तो ये गुजरेगा एक ओपनिंग से जहां पे वैल्व है, और जो वैल्व है इसका नाम है बाइकस्पिड वैल्व। इस बाइकस्पिड वैल्व को हम मिट्रल वैल्व के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो वाल्व है, दिस इज एवी वाल्व, ये किसका एग्जांपल है? एवी वाल्व का एग्जांपल है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का। ये जो वाल्व है ये किससे जुड़े हैं? कॉर्डे टेंडिने से, यानी कि कॉर्ड लाइक टेंडन्स। जो टेंडन्स होते हैं, जो वो कॉर्ड नुमा शेप के हो जाते हैं, तो उसे कॉर्डे टेंडिने कहते हैं। और ये जो कॉर्डे टेंडिने, ये किस मसल से अटैच होते हैं बच्चों? पैपुलरी मसल से। किस मसल से अटैच होते हैं? पैपुलरी मसल से। PYQ क्वेश्चन रह चुका है NCERT का, ठीक है, इससे ये अटैच होते हैं। अब ये जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेंट्रिकल से जाएगा एओटा में। किस में जाएगा? एओटा में। और एओटा की ओपनिंग पे भी एक वाल्व होता है जिसका नाम होता है सेमिलुनार वाल्व। कौन सा वाल्व होता है यहाँ पे? सेमिलुनार वाल्व, ठीक है। एओटा से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बॉडी में जाएगा। कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। अब बॉडी उसे यूज कर लेगी ऑक्सीजन को, रिटर्न गिफ्ट में क्या दे देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा? सुपीरियर वेना कैवा। कौन लेके आएगी बच्चों? सुपीरियर वेना कैवा, और लेकर आएगी इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये दोनों लेके आएगी, इंफीरियर वाली बिलो डायफ्राम, जितने भी ऑर्गन्स डायफ्राम से नीचे उसे कौन कलेक्ट करेगा? इंफीरियर वेना कैवा। जो भी ऑर्गन्स डायफ्राम से ऊपर है कौन कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा के पास किसी भी तरह का वाल्व नहीं होता है, नो वाल्व, इसके ओपनिंग पे कोई वाल्व नहीं है। जबकि इंफीरियर वेना कैवा के पास कौन सा होता है? यूस्टेशियन वाल्व। कौन सा होता है इसके ओपनिंग पे? यूस्टेशियन वाल्व होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, एक और ओपनिंग आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस। यानी इसके पास वो ब्लड है जो हार्ट का खुद का ब्लड है, खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का, ठीक है, यस। एंड इसके पास जो वैल्व है उसका नाम है थिबेशियस वैल्व। क्या नाम है उसका? थिबेशियस वैल्व उसका नाम है, ठीक है बच्चों। ये हमारे हो गए वैल्व। यहां से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ओपनिंग के माध्यम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और इस ओपनिंग को जो गार्ड कर रहा है वो उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ये जाएगा लंग्स के पास, बट किसके माध्यम से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। क्या
किसके माध्यम से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाएगा, और इसकी जो ओपनिंग है वहां पे भी एक वाल्व है, उस वाल्व का नाम है सेमीलुनार वाल्व। क्या नाम है उसका? सेमीलुनार वाल्व उसका नाम है। ठीक है, ये तो हो गया फ्लो, ये हो गए सारे वाल्व्स। अब आते हैं इसकी लेयर्स के बारे में बात करते हैं। कितनी मेम्ब्रेन्स है? तीन मेम्ब्रेन्स। कितनी मेम्ब्रेन्स है इसके पास? तीन मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी वाली का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम खुद में दो लेयर्स है, वैसे तीन लेयर्स है, बट पेरिकार्डियम के पास खुद दो लेयर्स है। एक विसरल लेयर है, एक पेराइटल लेयर है, और इन दोनों के बीच में है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट है बच्चों इन दोनों के बीच में? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इट इज गोइंग टू अगेन रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या रिड्यूस करेगा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा ड्यूरिंग धगधग धगधग धगधग। ठीक है, यस। अब इसके बाद जो सबसे मोटी वाली लेयर है, जो कार्डियक मसल से बनी है, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। किससे बनी है ये? कार्डियक मसल से। किससे बनी है? कार्डियक मसल से बनी है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है, जो ब्लड के कांटेक्ट में रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। ये हमारी सारी लेयर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। समझ में आया? नहीं आया एवरीवन? यस। पानी खत्म हो गया यार, पानी कैसे मंगाओ किसी से? 850 से कम नहीं होना चाहिए। मैं क्यों एफर्ट्स करूं जब तुम नहीं बैठते यार क्लास में? वैसे तुम रोते रहते हो, हम लोग पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। जब पढ़ाने लगो तुम गायब हो जाते हो। हम क्यों एफर्ट्स करें भाई? बच्चे गए, हम गए। जा रही हूँ मैं भी, बाय। सारा बाकी होमवर्क। और क्या, ऐसे थोड़ी होता है। हमको भी तो कॉन्स्टेंट मोटिवेशन चाहिए। टीचर है तो क्या, दिल नहीं है मेरा? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? बताओ जरा, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट बताती हूँ मैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम एक और करेंगे हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आ जाओ, नेक्स्ट बता रही हूँ टॉपिक। ये कौन सा नंबर का टॉपिक है बेटा? 9th था ना वो, 10th। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, तो इसमें हम बात करेंगे मायोजेनिक हार्ट। मतलब दिल अपन से कैसे धक धक करता है? यस, दिल अपन से धक धक कैसे करता है? दिल को मैं बाहर निकाल दूं शरीर से, तब भी वो धक धक करता है। ऐसा क्या है दिल में कि वो धाकू धाकू करता है ना बच्चों? यही चीज मुझे आपको समझानी है। चलो आओ समझाती हूँ तुम्हें दिल के बारे में। दिल की कुछ प्यारी बातें समझाती हूँ। सबसे पहले दिल बना लेते हैं, इसी बात पे फिर से दिल बना लिया हमने। और ये कैसा दिल है, तो बहुत ही मोटा दिल बन गया, गाय का दिल बन गया लग रहा है। ये देखिए, अब यहां पे देखेंगे तो दिल के बारे में, ये क्या हमारा? इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बच्चों? ये इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि दीवार है दोनों चेम्बर्स के बीच में। जबकि ये क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ऐसे नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं राजश्री? पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्योंकि ये 70 से 75 डीपोलराइजेशन पर मिनट बना पाता है खुद से, थक 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 थक। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये पेस सेटर है, ये इंश्योर करता है कि सारा काम हार्ट में अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ऊपर वाले से सिग्नल लेगा, और ये सिग्नल किसको ट्रांसफर कर देगा? बंडल ऑफ हिस्स को। किसको ट्रांसफर कर देगा? बंडल ऑफ हिस्स को। बंडल ऑफ हिस्स से ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में बट जाएगा। किसमें बट जाएगा? लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस। इस तरीके से ये सारे वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। फिर वहां से फाइन फाइबर्स निकलेंगे, फाइन फाइबर्स। इन फाइन फाइबर्स को हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। क्या कहते हैं बच्चों इनको? वी कॉल देम एज पुरकिंजी फाइबर्स। ये निकलने शुरू हो जाएंगे। बस इस तरीके से पूरा सिस्टम बैठ जाएगा काम करने के लिए। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये मैं आपको बताऊंगी कार्डियक साइकिल में। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, 11th टॉपिक ऑफ द क्लास, कार्डियक साइकिल।
8:09 हो गए, कितने घंटे, 1.5 घंटे क्लास हो गई। मैम आज समझ नहीं आ रहा है, क्यों बेटा, क्या खा पी के आया आज तू, करना तो पड़ेगा बेटा, सिर्फ 25 मिनट की और बात है। विल किल दिस चैप्टर, आई वॉन्ट टू सी दैट एनर्जी इन यू कि यू वॉन्ट टू क्रैक नीट। अगर ये चैप्टर आज रह गया तो ये रह जाएगा, सच बता रही हूं मैं, क्योंकि कल की क्लास सिर्फ 20 मिनट की होगी एंड दैट मेक्स नो सेंस। कल की क्लास 20 मिनट की लेने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है इतने जोश के साथ आप कल नहीं आएंगे इस चैप्टर के लिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज नेवर हिट ऑन यूट्यूब, वी हैव टू डू दिस टूडे एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बच्ची भी मार हो रही है, फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें उतने ही पैशन के साथ तब से पढ़ा रही हूँ। पानी खत्म हो गया नहीं लेने जा रही, क्योंकि मुझे पता है ब्रेक आया तो ये चैप्टर रह जाएगा एंड वी वोंट लेट दिस चैप्टर यू नो टू स्टॉप इन बिटवीन। लेट्स डू दिस टुडे, लेट्स डू इट, यस। चलो कार्डियक साइकिल करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको होता है मैम कार्डियक साइकिल हमेशा एक्सप्लेन करती है। चले पहले तो मैंने टेबल बना ली, अभी मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। यहां पे हम लिखेंगे एट्रिया, एट्रिया का क्या सिस्टम है, वेंट्रिकल्स की क्या पोजीशन है, एवी वाल्व्स की क्या पोजीशन है, सेमी लूनार वाल्व की क्या पोजीशन है और ब्लड फ्लो क्या है। ठीक है, 0 से 0.1 सेकेंड, 0.1 से 0.4 सेकेंड, 0.4 से 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब इसको समझा, इस टेबल को बनाने से पहले मैं आपको एक पाई चार्ट के रूप में समझाना चाहती हूँ पूरी कार्डियक साइकिल। ये देखिए, देख पा रहे हैं सब बच्चों, अगर हमने ये डायग्राम समझ लिया तो ऊपर की टेबल बनाना मेरे लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का, यस। ठीक है, यस। चलो देखो बच्चों, इस साइकिल से आपको ये तो पता लग गया होगा कि इस साइकिल में कितने फेजेस है, 3 फेजेस है। कितने फेजेस है बच्चों, 3। पहला फेज एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कौन सा हमारा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमारा जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अगर यहां पे बात करें तो ये 0.1 सेकेंड की ड्यूरेशन का होता है, 0.3 सेकेंड की ड्यूरेशन का होता है, 0.4 सेकेंड की ड्यूरेशन, यानी कि एक कार्डिक साइकिल की टोटल कितनी लेंथ है, 0.8 सेकेंड। यस, कितनी है बेटा, 0.8 सेकेंड। ठीक है, यहां पे पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है लबी डबी, यानी लव। लव जो साउंड है तब प्रोड्यूस होता है व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। ठीक है, दूसरा साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है डब, यानी कि जब देयर इज अ क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व। क्या है, क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व। ये दो तरह के हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कार्डियक साइकिल है पूरी की पूरी। अब हमें इसी कार्डियक साइकिल को इस टैबुलर फॉर्म में बनाएंगे। पहला फेज कौन सा था बच्चों, आप खुद बनाने की कोशिश करना। पहला फेज कौन सा था, एट्रियल सिस्टोल। पहला फेज क्या था, एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, इस टाइम पे एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड तो नीचे आएगा, अगर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो एवी वाल्व क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। सेमी लूनार वाल्व क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ब्लड फ्लो कहां से कौर है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स, सो सिंपल, एट्रिया से वेंट्रिकल्स, वेरी 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 सिंपल, राइट मेरे बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ रहे 0.1 से 0.4 सेकेंड, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या है ये, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, इस टाइम पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड पीछे नहीं जाना चाहिए, यानी कि एवी वाल्व क्या होगा, क्लोज,
सेमी लूनार वाल्व क्या होंगे? ओपन। अगर सेमी लूनार वाल्व ओपन है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है एओर्टा में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में। सिंपल बच्चों, ये हमने खुद बना रहे हैं या नहीं? आर वी ट्राइंग टू मेक इट आवरसेल्फ्स और नॉट? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ, जॉइंट डायस्टोल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जॉइंट डायस्टोल, यानी कि सारे के सारे चेंबर्स किसमें? रिलैक्स्ड। सब पूरा हार्ट रिलैक्स्ड, पूरा हार्ट रिलैक्स है, यानी ये भी रिलैक्स्ड, ये भी रिलैक्स्ड। जब पूरा हार्ट रिलैक्स्ड है तो वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम। इस चक्कर में एवी वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन। सेमी लूनार वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज। और इसी टाइम पे 70% ऑफ वेंट्रिकल्स फिल्ड विद ब्लड, फिल्ड विद ब्लड, यानी कि जो आपके वेंट्रिकल्स है वो 70% तक ब्लड से भर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाकी 30% कैसे आएगा? बाकी 30% के लिए एट्रियल सिस्टोल है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज कार्डियक आउटपुट। करा के सारा जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, जिद है मेरी, कार्डियक आउटपुट। यस, सो इफ यू टॉक अबाउट कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट, जबकि हार्ट रेट क्या है? नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर कार्डियक साइकिल। तो हमारा हार्ट रेट कितना होता है बच्चों? धकु धकु कितना होता है हमारा? यस, कितना होता है हमारा धकु धकु? ये होता है हमारा 70 से 75 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम में 70 ml, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में अपन के वेंट्रिकल सिर्फ 70 ml ब्लड पंप करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 5 liter ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय आर हार्ट पर मिनट। एक मिनट में हमारा दिल 5 liter तक ब्लड पंप कर पाता है हमारे पूरे शरीर में। ठीक है, अब इस कार्डियक आउटपुट के कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसे इफेक्ट कर रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सो लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। बेटा दो सिस्टम मैंने बताए थे, सैन क्या होता है? साइनो आर्ट्रियल नोड। यस, कार्डियक एक्टिविटी दो सिस्टम मैंने बताए थे आपको, एक होता है सिंपथेटिक, लड़ो भागो या भगा के ले जाओ, सिंपल सी बात है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन, और दूसरा होता हमारा पैरासिंपथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि चिल मारो नीट के एग्जाम के बाद, अगर अच्छा गया तो पेपर तभी चिल मार सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, तो सिंपथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बॉडी सिक्रीट्स इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इससे हमारा हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, पैरासिंपथेटिक क्या हमारा? रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम। क्या हमारा? रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम। अगर ये इसमें वेगस नर्व है, वेगस नर्व एसिटाइल कोलीन सिक्रीट करती है, जिससे हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हार्ट रेट रिड्यूसेस। तो कार्डियक आउटपुट भी कम रहेगा जब हम बहुत ही नॉर्मल यू नो रेस्टिंग स्टेज पे बैठे तो। ठीक है, यह हमारा था रेगुलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, 14th टॉपिक ऑफ द डे, ECG। मैम, कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस के टाइम पे भी आपका हार्ट रेट बढ़ा रहेगा। यस, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा। यस, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ,
इज द नेम ऑफ द मशीन, और जो रिजल्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उल्टा है, उल्टा याद रखना। ईसीजी हम करते क्यों है, ब्लॉकेज पता करने के लिए, ब्लॉकेज पता कर सकते हैं हम। इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं हम दो रिस्ट पे, बोथ रिस्ट प्लस लेफ्ट एंकल। ये कुछ इस तरीके से आता है ईसीजी। पी क्यू आर एस, इस तरीके से पी क्यू आर एस टी। इस तरीके से हमारे एक नॉर्मल ईसीजी, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का। बेटा आपको समझना होगा कि पहले इलेक्ट्रिकल, एक पहले सिग्नल जाएगा, फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपकी हार्ट मसल। सो दिस इज टेलिंग यू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो जो पी वेव है, दिस रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस जो है, दिस रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड टी वेव रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी आपको पता लग जाएगा, कुछ सीन है। सीन कैसे है, मान लो कि ये टी वेव नीचे आ गई है, इस तरीके से टी आ गई है। दिस इंडिकेट इस्केमिया, यानी कम जा रही है ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स। ठीक है, ऊपर चली गई, दिस इंडिकेट्स हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के चांसेस बता रही है। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल ईसीजी नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यस मैम, इसके अलावा डिटेल लेक्चर देखना जरूरी है क्या, और दिस इज इनफ। बेटा देखो, डिटेल लेक्चर देख लोगे तो बहुत मजा आएगा, नो डाउट। ये फास्ट तो है ही ना बेटा, मैं इस बात को झुकला नहीं सकती कि जो डिटेल में आप नीट की तैयारी कर रहे हो वो अलग ही लेवल के। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दीज लेक्चर्स आर वेरी मच सफिशियंट फॉर यू। बट आपको समझ में आना चाहिए, यू शुड मैच माई स्पीड। आई नो आई एम टीचिंग वेरी फास्ट, मैं आपको सच बता रही हूँ, आई एम टीचिंग एक्सट्रीमली फास्ट। यू ऑल्सो रियलाइज दिस। जो प्लस वाला अगर कोई बच्चा है यहाँ पे, तो वो शायद उसको समझ भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ क्यू आर एस टेल्स हार्ट रेट, जितनी क्यू आर एस होगी उतना हार्ट रेट होगा। ठीक है, यस। अगर ड्रॉपर हो तो यही देख लो, एब्सोल्युटली सैफी ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप ड्रॉपर हो, आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, देन दीज लेक्चर्स आर गोल्ड लेक्चर्स फॉर यू। मेरे लेक्चर से अच्छा हो नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं। यस आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई लेक्चर, कि आप मेरे लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर। ऐसे ही बेटा, इतने सालों से मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रही, ऐसे ही 15-15 हज़ार बच्चे आके नहीं देखते मेरे सेशन, लाइव बता रही हूँ। यस आई एम टेलिंग यू बच्चों, क्वालिटी एंड वॉट आई एम गिविंग यू कॉन्टेंट एंड एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन। पूरे साल हम मेहनत करते हैं, इस टाइम पे हम एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि पूरा साल हम कॉन्टेंट बनवा रहे होते हैं। एंड दिस इज माई टाइम नाउ। अरे अभी चैप्टर खत्म का हुआ है, ये सब हमने कर लिया, अब हम आएंगे इसके। बेटा ये वेन्स और आर्टरीज का डिफरेंस मैं यहां से बता देती हूँ। जो वेन्स होती है उनमें वाल्व्स होते हैं, ब्लड प्रेशर जो है कम होता है, ये ऊपर से दिख जाती है इस तरीके से, और जनरली कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जबकि जो आर्टरीज होती है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, काफी डीप रूटेड होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, इनमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नॉट लेट्स टॉक अबाउट देयर डिसऑर्डर्स। कहीं लिखा नहीं है कि डिसऑर्डर है यहाँ पे। एक चीज मैं सोच रही थी, देख के पढ़ा दूंगी, वो नोट्स में है ही नहीं, जिंदगी झंड है मेरी। डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं बच्चों, यू नो लाइफ ऑफ जी स्क्वायर। पहला कौन सा है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है बच्चों, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कितना रहता है आपका, नॉर्मल भी लिख लेते हैं, नॉर्मल आपका रहता है 120/80 mmHg। ठीक है, बट यहाँ पे कितना रहता है आपका, 140/90 mmHg। जिंदगी झंड है यार। एक चीज पूरे चैप्टर में सोची थी, चलो देख के पढ़ा दूंगी, कोई नहीं, ना जी ना, वो है ही नहीं नोट्स में। डीपोलराइजेशन क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं बेसिकली, न्यूरोनल सिग्नल्स। ठीक है,
नेक्स्ट है एंजिना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन। एंजिना पेक्टोरिस क्या है? एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, फिर क्या हमारा एथरोस्क्लेरोसिस, कैट, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कैल्शियम जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, मेरी आंख बोल चुकी है बिल्कुल, इन कोरोनरी आर्टरी, इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट अटैक, सडन डेथ ऑफ मसल। मेरे से देखा ही नहीं जा रहा बेटा। सडन डेथ ऑफ मसल, ठीक है। देन वी हैव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, लास्ट ईयर से दिक्कत स्टार्ट हो गई थी आईज में मेरी। हार्ट फेलियर, जब जो दिल है बॉडी डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेल्स टू मीट बॉडी डिमांड्स। सिक्स, कार्डियक अरेस्ट। हाँ बेटा, ड्रॉप ना एक्चुअली रूम में रह गई है। हार्ट स्टॉप बीटिंग, यस। ठीक है, मैम, विल द हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द वेगस इज रिमूव्ड? द हार्ट रेट विल इंक्रीज, यस। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। माइंड मैप्स विल बी गिवन इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ गर्मा मैम, गर्मा गोयल 007_G², थोड़ा सर्च कर लिया करो, वहां पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। 9:15 पे इसी चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चंस हैं, आप खुद जज करके आ जाना। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने बनाए हैं। ये देखिए पहले दो क्वेश्चन, द नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो इज, ये तो एनसीईआरटी में नहीं था, 2:1। सेक्स क्रोमेटिन प्रेजेंट इन, अरे वो पूछ रहा है, बार बॉडी, WBC, न्यूट्रोफिल में होती है। ठीक है, ऐसे हे फीवर यार, ये बताया ना, पैरासिटिक एलर्जिक रिएक्शन, थोड़ा सा तो आ जाना यार। ऐसा मत करना यार, आ जाना यार। थोड़ा सा ही तो यार, आ जाना, ऐसे मत करना यार, प्लीज यार। आना, मैं वेट कर रही तुम्हारा, ऐसे मत करना। ठीक है, ज्वाइन कर लेना मैम मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपको पता ही, लिंक ट्री है मेरा गर्मा गोयल, G2 गर्मा गोयल, वहां पे सारे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। और इस टाइम यार अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे ना 52% ऑफ है, कोई पढ़ना चाहता है ना, वैसे पढ़ना ही चाहिए, कोई पढ़ना क्या चाहता है, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस में आ सकते हैं, फुल सिलेबस कवर करने के लिए अमेजिंगली। ठीक है, तो इस टाइम पे 52% ऑफ चल रहा है, 52% ऑफ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे। जी स्क्वायर कोड आप यूज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हेन यू टेक अ जी स्क्वायर कोड, जब आप यूज करो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू छाया मैम, शी विल ऐड यू इन द ग्रुप। ठीक है, यस, चले फिर डबल सर्कुलेशन बेटा, पल्मोनरी सिस्टम, सिस्टमिक सब बताया बेटा, पिटाई कर दूंगी तुम्हारी अब मैं। चलो भाग, 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 चलो भागो।